सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कुछ एनर्जी दिखाओ. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स. क्या बोल रहे कि सर बोलो. सर भी एक बार गुड मॉर्निंग सर बोलो यार. कैसे हो आप लोग सब? चलो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग योर सीपीटी एग्जामिनेशन. सो अ बिग राउंड ऑफ लव अप्लॉज फॉर एवरी वन ऑफ यू ऑल. कम ऑन. देखो सीपीटी तो आपने एकदम सही तरह से क्लियर कर दिया है. अब जो आपका जो नया कोर्स है दैट इज आईपीसीसी का इंटरमीडिएट का कोर्स, उसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एज यू नो इज कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज. तो यही जो सब्जेक्ट है स्वप्निल सर और मैं हम लोग आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं. सो आर यू ऑल रेडी फॉर इट? एकदम एक्साइटेड. तो देखो सब्जेक्ट की मैं शुरुआत करूं उसके पहले आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हु वी आर. वैसे खैर स्वप्निल सर को तो आप लोग सब जानते ही होंगे. क्यों जानते हो या नहीं? ओके स्वप्निल सर जो है पिछले 9 सालों से इस प्रोफेशन में है. ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ कंपनी सेक्रेटरी, प्लस उन्होंने सीसा डीसा का कोर्स भी किया है और साथ ही साथ बीकॉम भी कर ही लिया है उन्होंने. और प्लस जो लॉ है एलएलबी जो है इस सब्जेक्ट में भी उन्होंने मास्टरी की हुई है. ही इज ऑल्सो एन एलएलबी बाय प्रोफेशन. और पिछले 3 सालों से वो सीए फाइनल का लॉ पढ़ा रहे हैं. और एज अ ऑल नो अब जो है आपके अटेम्प्ट से हमारा कोर्स जो है टोटली चेंज हो गया है और कुछ फाइनल के टॉपिक्स जो है वो सीए इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किए हैं इंटरमीडिएट के कोर्स में. इसलिए अब मैंने सोचा कि क्यों ना स्वप्निल सर को खुद पर्सनली रिक्वेस्ट करके कहूं कि ये सारे टॉपिक्स क्यों आप ही ना पढ़ा लो. तो आप लोग बहुत 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 ज्यादा लकी हो कि स्वप्निल सर जो है आप लोगों की बैच में पढ़ा रहे हो. एज यू नो इनके जो सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ ऑल ओवर इंडिया नहीं, इनके जो ब्रांचेस है अब नेपाल और दुबई में भी अवेलेबल है. इंडिया में इनफैक्ट स्वप्निल सर के अराउंड 140 सेंटर्स है. मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूं. ये सारे सेंटर्स जो है वी हैव अराउंड 140 सेंटर्स इन इंडिया. आप देख सकते हो सारे सेंटर्स जैसे कि आगरा है, कटक है, ग्वालियर है, कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है, ऐसे करके वी हैव 140 सेंटर्स जहां पे हमारे वर्चुअल लेक्चर्स प्ले होते हैं. और कहीं कहीं जगह पे हम खुद लाइव भी जाते हैं पढ़ाने. जैसे कि कल से सर की दिल्ली में लाइव बैच है जहां पे ऑलमोस्ट 600 स्टूडेंट्स प्लस रजिस्टर हो चुके हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट स्वप्निल सर फॉर योर बैचेज. एंड वी आर रियली वेरी वेरी लकी दैट स्वप्निल सर जो है वो खुद आप लोगों को यहां पे आईपीसीसी में इंटरमीडिएट के कोर्स में कुछ टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं. जैसे कि कंपनीज एक्ट के कुछ टॉपिक है और प्लस अदर लॉज में जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है वो भी स्वप्निल सर जो है वो पढ़ाने वाले हैं. तो वी आर रियली वेरी हैप्पी स्वप्निल सर के आप लोग स्वप्निल सर के आप जो है चांस देने के लिए हमारे साथ और हमें इतना सपोर्ट करने वाले हो आप. देखो कुछ भी पढ़ाने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये जो कोर्स है जो हम इन 70 डेज में पढ़ाने वाले हैं उसमें क्या सारे टॉपिक्स है. तो देखो सब्जेक्ट का नाम आप देख सकते हो. एक बार आप पढ़ोगे सब्जेक्ट का नाम साथ में क्या है ये सब्जेक्ट का नाम जो आप पढ़ने वाले हो. इट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. वापस से पढ़ो तो क्या है ये सब्जेक्ट का नाम? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. सो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. एक तो आपको है कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा जो आपको हिस्सा है इस पर्टिकुलर पेपर में दैट इज अदर लॉज. आपका ये जो कॉर्पोरेट लॉ है दैट इज फॉर 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स. 100 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा और ये 100 मार्क्स के पेपर में से 60 मार्क्स आपको कॉर्पोरेट लॉ है और बाकी का जो 40 मार्क्स है दैट इज अदर लॉज. कॉर्पोरेट लॉ में आपको कुछ ज्यादा नहीं है पढ़ने के लिए. आपको बस एक ही एक्ट है एंड दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013. और वो भी कंपनीज एक्ट में कुछ ज्यादा सेक्शंस पढ़ने नहीं है. आपको इंटरमीडिएट के कोर्स में सिर्फ और सिर्फ 148 सेक्शंस पढ़ने हैं. मैम सिर्फ 148 सेक्शंस? जी हाँ सिर्फ 148 सेक्शन, क्योंकि पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट जो है इट कंप्राइजेस ऑफ 470 सेक्शंस. तो ये 470 सेक्शंस में से आपको 148 सेक्शंस इंटरमीडिएट पे है और बाकी के सारे सेक्शंस वहां पे है. वहां पे है मतलब कहां पे है? सीए फाइनल में है. देखो अगर आप आपका पूरा कोर्स देखते हो आपके 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो तीनों भी लेवल पे आपको पढ़ाए जाते हैं. एक होता है अकाउंट्स और दूसरा होता है लॉ.
जो आपको सीपीटी में भी है, इंटरमीडिएट में भी है और सीए फाइनल में भी है. देखो जैसे कि आपने सीपीटी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था या नहीं, अराउंड 1 से लेकर 75 सेक्शंस आपने जो भी सारे बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो आपने पढ़ा था सीपीटी लेवल पे. अब बाकी का जो पूरा एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो कवर होगा आपका आईपीसीसी लेवल में. तो जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीपीटी और इंटरमीडिएट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वैसे ही हमारा ये जो कंपनीज एक्ट है 2013 वो सीए इंस्टीट्यूट ने दो लेवल पे स्प्लिट किया है, एक इंटरमीडिएट लेवल पे और दूसरा जो है वो है सीए फाइनल लेवल पे. तो आपका ये कंपनीज एक्ट जो है 148 सेक्शन दैट विल कंप्राइज ऑफ 60 मार्क्स. सो माय डियर फ्रेंड्स, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. तो इंस्टीट्यूट ने क्या करने की कोशिश की, एक हल्का सा डोज आपको इंटरमीडिएट पे देने की कोशिश की है और बाकी सारे सेक्शंस जो है दैट विल बी कवर्ड इन सीए फाइनल. और आपका ये जो अदर लॉज है, अदर लॉज इज फॉर 40 मार्क्स जिसमें यू हैव टू स्टडी ओनली 4 एक्ट्स. 4 एक्ट्स में से सबसे पहला आपका जो एक्ट है दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको सिर्फ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कवर होगा, आपका ऑलरेडी बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो ऑलरेडी हो चुका है एट द सीपीटी लेवल. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ अनदर एक्ट दैट यू हैव इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. साथ ही साथ और दो एक्ट्स है, दैट इज द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1872 विच इज बीन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, सॉरी 1897 विच इज बीन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बाय आर सीए इंस्टीट्यूट एट द इंटरमीडिएट कोर्स. इसके पहले ये एक्ट ये कोर्स में नहीं था, ना ही सीपीटी में, ना ही आईपीसीसी में, ना ही फाइनल में. दिस एक्ट विच इज बीन यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड टू यू ऑल. और एक आखिरी एक्ट है दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. और यही जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है ये स्वप्निल सर पढ़ाने वाले हैं. और कंपनीज एक्ट के बहुत सारे चैप्टर्स स्पेशली रिलेटिंग टू डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये सारे प्रोविजंस जो है कंपनीज एक्ट के वो भी स्वप्निल सर जो है वो खुद आप लोगों को पढ़ाने वाले. तो एक बार वापस से क्या आप मुझे बता सकते हो इस कोर्स का नाम क्या है, इस पेपर का नाम क्या है? कॉरपोरेट एंड अदर लॉज, जिसमें से कॉरपोरेट लॉ में आपको एक ही एक्ट है कंपनीज एक्ट विच इज फॉर 60 मार्क्स और जो अदर लॉज जो है दैट इज फॉर अनदर 40 मार्क्स विच इज फॉर विच इन विच यू हैव 4 टॉपिक्स. इंस्टीट्यूट ने इसका इंडिविजुअल ब्रेकअप अभी तक नहीं दिया है, सिर्फ सिलेबस जो है इंट्रोड्यूस किया है. सो इसीलिए मैं भी साइलेंट टू रिलेटिंग टू द वेटेज ऑफ ईच एक्ट. बट ओवरऑल इंस्टीट्यूट ने कहा है कि जो आपके अदर लॉज जो है वो 40 मार्क्स के लिए आपके कोर्स के लिए है. हाँ या ना, ये आप लिखना चाहोगे? प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस. एक चीज मैं आपको कहना चाहती हूं, आप लोग प्लीज एक नोटबुक लॉ के लिए सेपरेटली बनाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो हम क्लास में लिखने वाले हैं, जो आप समझने वाले हो, एग्जाम्पल्स हो गए. तो अगर आपकी खुद की एक इस सब्जेक्ट के लिए सेपरेट नोटबुक रहेगी, बाद में जब आप घर पर पढ़ाई करोगे आपको बहुत ज्यादा आसान रहेगा.
हो गया लिख के? यस और नो? अच्छा देखो, वैसे तो लॉ एक थ्योरेटिकल पेपर है, बट लेट मी मेक इट क्लियर, ये थ्योरेटिकल पेपर जरूर है बट जो अप्रोच रहेगा स्वप्निल सर का भी और मेरा, दैट विल बी वेरी प्रैक्टिकल. हर एक टॉपिक के लिए जहां कहीं पे भी हो सके हम आपको रीसेंट केस लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे सारी चीजें जो प्रैक्टिकली की जाती है. जैसे कंपनीज एक्ट में तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं वहां से शुरुआत होती है. तो जहां कहीं पे भी हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे कि ये थ्योरेटिकल पेपर को हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच से आप लोगों को पढ़ाए, ताकि जितना इंटरेस्ट हम लोगों को आया है ना ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करते करते, उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आपको भी आए ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते. एंड यू ऑल शुड फॉल सीरियसली इन लव विद इस पर्टिकुलर पेपर. और ऐसा होना चाहिए कि ग्रुप वन मतलब लॉ, हाँ बस हमारा ही अपना ही है, ऐसा ऐसी फीलिंग हमने लाने की कोशिश की. इसीलिए हमने क्या किया, कंपनीज एक्ट के कुछ टॉपिक्स में ना सर ने और मैंने हम लोगों ने साथ में कुछ टॉपिक्स पढ़ाने का डिसाइड भी किया है, जहां पे हम दोनों भी रहेंगे और एक इंटरैक्टिव सेशन रहेगा. मोनोटोनस नहीं रहेगा ट्रेडिशनल थिंकिंग जैसे, जैसे कि मैं यहां पे आई हूं, मैं बोल रही हूं बोल रही हूं बोल रही हूं, आप लोग बैठे हो सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो. ऐसा सारा कॉन्सेप्ट अब पुराने जमाने का हो गया, अब पूरे के पूरे लाइव एंड इंटरैक्टिव सेशन जो रहेंगे वैसा ही हमने ये अप्रोच इस बैच के लिए रखा है. तो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू द वन एंड ओनली स्वप्निल पटनी सर, एंड ही वुड बी टेकिंग चार्ज ऑन द क्लास नाउ. Please clap hands for him, my dear friends. Hey guys, very good morning once again. Hey guys, Arite, come on everybody. देखो पहले तो समझना, ये तो सब हम लोग कंपनी लॉ आपको पढ़ा देंगे, अदर लॉज भी पढ़ा देंगे, पर उससे पहले आखिर क्यों हमें पढ़ना जानना जरूरी है ये सब्जेक्ट के. आपने जो लिखा ना, ये सब क्या लिखा आपने कि लॉ में क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब बात की बात है. पहले ये समझना चाहिए कि लॉ होता क्या है, एक्ट क्या होता है, इस एक्ट के अंदर क्लॉजेस. कभी आपने सीपीडी में क्लॉज ऐसा सुना, क्लॉज सब क्लॉज सेक्शन एक्ट लॉ, ऐसे वर्ड सुनने दिखते हैं, रूल्स लॉ कौन लाता है. देखो लॉ तो समझ जाएंगे, पर लॉ को पढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि लॉ को लाता कौन है, है ना. वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. कहां से आवाज आई है वो? हाय चिंटी, क्या नाम है आपका? सुकन्या, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. कौन लाता है लॉ? वेरी गुड, हम आपकी बातों को ही आगे ले जाएंगे, जनता सच जानना चाहती है, ठीक है ना. जैसे कि सुकन्या ने कहा कि पार्लियामेंट लॉ लाता है, राइट. आज बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे ये एक्ट को और लॉ को. समझने से पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि आईपीसीसी के सिलेबस में भी बहुत सारे लॉज आप पढ़ोगे. डायरेक्ट टैक्स का लॉ होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का लॉ होता है, पर ये जानना जरूरी है कि लॉ आता कैसे है, है ना. और कभी भी कोई चीज पढ़ने से पहले, व्हाट पढ़ने से पहले वाई को पढ़ना जरूरी है. वापस से मैं कहता हूं, जिंदगी में वही इंसान आगे बढ़ता है. अभी मेरे 3 स्टूडेंट इस समय पुणे में इस साल रैंक में आए सीए फाइनल में, और ऑल ओवर इंडिया 9 स्टूडेंट्स हैव स्टूड रैंक ऑल ओवर इंडिया. मैंने फोटो भी लगाई है उनकी, 9 लोग रैंक में आए. तो 3 लोगों को मैंने खास तरीके से इंटरव्यू लिया था, तो मैंने उनसे बातें जब करी है तो मैंने ये सोचा, ये समझा कि आखिर आम जनता में और रैंकर्स में फर्क क्या होता है. आम जनता पढ़ती है व्हाट और वो पढ़ते हैं वाई. आपको मैं वापस से मेरे शब्दों को दोहराता, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. एक होता है व्हाट, ये लॉ है, पर ये जानना बहुत जरूरी है लॉ क्यों है. वी शुड ऑलवेज देखो व्हाट, अगर बच्चों को बोले ना ये ऐसा है तू मत कर, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, उसको फिर वापस वही करेगा, लेकिन मत कर, फिर 2 मिनट चुप करेगा वापस करेगा. अगर आपने उसको बता दिया ना बेटा ये चीज खराब है, इससे आपको तकलीफ हो सकती है, इसीलिए आपको नहीं करना है, वो बच्चा दोबारा नहीं करेगा, राइट. चाहे वो छोटे बच्चों की बात हो, चाहे आप जैसे बच्चों की बात हो, वाई को समझना इज ऑलवेज रिक्वायर्ड वेन यू स्टडी लॉ सब्जेक्ट या वेन यू स्टडी एनी अदर सब्जेक्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड, अच्छा भाई क्यों है, वाई इट इज टू बी अंडरस्टूड. ये कंपनी लॉ कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना क्यों जरूरी है? नहीं पढ़ूंगा मैं सीओ नहीं पढ़ना, मुझे मेरी इच्छा है मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं अकाउंट से नहीं पढ़ू, मैं ऑडिट नहीं पढ़ू, मेरा क्यों पढ़ू मैं भाई. एक वो जिज्ञासा होना चाहिए कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूं. डोंट ओनली रीड व्हाट इज अकाउंट व्हाट इज लॉ, व्हाई आई शुड आस्क मायसेल्फ व्हाई आई एम रीडिंग दिस. तो आज आपको समझेगा पूरा तरह से, पूरा सब्जेक्ट समझ में आएगा. डोंट वरी अबाउट दैट, आपका कोई भी लेक्चर अगले 60 से 70 लेक्चर में ऐसा एक दिन भी नहीं आएगा, चाहे वो अंकिता पढ़ाए चाहे मैं पढ़ाऊं. देयर वोंट बी सिंगल लेक्चर विच इज नॉट बीन अंडरस्टूड, एवरीथिंग विल बी अंडरस्टूड. पूरे इंडिया समझ रही है, आप समझोगे. समझने वाइज कॉन्सेप्चुअल वाइज तो आपको सोचना ही नहीं है, आपने भरोसा दिखाया है, आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे, आपने सही जगह पे क्लास लगाई. बट
उससे पहले आपको यह समझाना जरूरी है, आखिर लॉ है क्या? आओ बच्चों पढ़े। दोस्तों अब टेंशन में लगते हो, अरे ओके, एक बात पूछो, पार्लियामेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या फर्क होता है? पार्लियामेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी क्या? बोलो ना, पार्लियामेंट मतलब कौन रे? ए चिंटू बोल रहे, ऐसा हम क्या बात है, सीपीटी क्या है? कोई बोलेगा कहां गए सुकन्या मुन्नी? जवाब दो, पार्लियामेंट में कौन होता है? राज्यसभा एंड लोकसभा। एक बार ताले ठोको इसके लिए, क्या बात है, सुपर फैंटास्टिक बेटा, आप बहुत आगे जाओगे जिंदगी में। ये है लोकसभा और राज्यसभा, जिसको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट, है ना? पर पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होता है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ही वही, आप रायचूर से आए हो ना चिंटी, आप जवाब दीजिए। सुना कर्नाटक में लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपको जवाब देना है, बताइए जल्दी से। ये रखना उधर, हाँ कुछ पता है? अच्छा मैं बोलूं, आप में से कोई नहीं बोलोगे, एक कोई तो बोलो, मैं आपको मेरी ओर से कैडबरी दूंगा। ओके बेटा खड़े हो जाइए, एक नौजवान हमारे बीच इस समय बोलने की, क्या बोला है यार, क्या बोला है, एक बार ताले बजाओ भाई, ये नॉलेज है। दोस्तों आप सभी जानते हो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वो होता है जो पार्टी जीत कराती है। भाई और बहनों आप सभी जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। मित्रों मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं और मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट इज नथिंग बट बीजेपी। ओके तो बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या है? वो पार्टी जो जीत कराती है, जो जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और सर लोकसभा राज्यसभा में कौन होते हैं? वो भी पार्टी होती है जो जीत जाती है, और वो भी पार्टी होती है जो सत्ता में नहीं होती है पर जिनके कुछ खासदार, जिनके कुछ एमपी जीत कर भी आ जाते हैं, जैसे कि राहुल गांधी। सर राहुल गांधी पार्लियामेंट में बैठने देते? हाँ वो भी बैठता है वहां पर। सर राहुल गांधी, मनमोहन साहब, सोनिया जी सब साथ में बैठते हैं, लालू जी भी वहीं होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब लोकसभा राज्यसभा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब को? सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं? नहीं, आज ये समझना होगा लॉ को लाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाता है या पार्लियामेंट लाता है। चलो आप जवाब देंगे, और लॉ लाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ये पार्लियामेंट का है। मतलब हर कोई वो खासदार, हर कोई एमपी जो जीत कर आया हुआ है, वो इंसान डिसाइड करेगा कि भारत में जीएसटी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये मोदी जी का अकेला का राज नहीं है, मोदी जी सिर्फ चुनाव जीते हुए हैं, पर आज भारत में कोई भी लॉ लाना, सर मतलब कंपनी लॉ भी पार्लियामेंट ने लाया था? हाँ बेटा हाँ, मतलब लोकसभा राज्यसभा ने दोनों ने मिलकर फैसला किया, तब जाके कंपनी लॉ 2013 में आया। आप सभी जानते हो इसके पहले कौन सा एक्ट था? वेरी गुड, अब कौन सा है? 2013। तो 2013 किसने लाया होगा मालूम है क्या? 1993 से कंपनीज एक्ट आने वाला था, पर कभी पार्लियामेंट में विरोधी पक्ष नेताओं ने इस फैसले को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। 1999-2003 हो गया, फिर 2008 में सत्यम वाला कांड हुआ, उसके बाद में 2013 में इनको लगा कि अब भारत में एक सख्त कानून लाना बेहद जरूरी है, वरना कहीं राजू जन्म लेंगे। आप सभी जानते हो 1956 का भी कम्युनिज एक्ट हुआ करता था, पर उसमें इतनी शक्ति उतनी पावर नहीं थी कि जो जुर्म करने वालों को सजा दे। सर 1956 था तो 2013 क्यों आया? वो लॉ नहीं था, वो भी लॉ, उसका भी नाम कंपनी लॉ था, हाँ फिर इसका भी नाम कंपनी लॉ है, हाँ फिर दोनों में फर्क क्या है? देखो बच्चों 1956 के एक्ट में उतने प्रबल सेक्शन नहीं थे, उतने पावरफुल सेक्शन नहीं थे जो जुर्म करने वालों को सजा दे सके। हम चाहते हैं भारत में जुर्म होने के बाद नहीं, कोई जुर्म करने की सोची नहीं, इतनी कड़ी सजा हो। हम चाहते हैं भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस हो,
मतलब यहां के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं और जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो जुर्म करने से पहले 10 बार सोचें जुर्म करना है या नहीं करना है। पहले मालूम है क्या होता था 2013 के पहले, जैसे किंगफिशर ने गलती की ना, किंगफिशर ने टैक्स नहीं भरा, तो बताओ कौन जेल में जाएगा? किंगफिशर ने टैक्स नहीं भरा, जल्दी बताओ जेल में कौन जाएगा? नहीं, मैं किंगफिशर को जेल में डालूंगा, मैं वैसे ही करूंगा। किंगफिशर ने गलती की है, किंगफिशर शुड गो बिहाइंड द बार्स। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेबी। सर एक आर्टिफिशियल पर्सन कैसे जेल में जाएगा? इसलिए पहले से मॉनिटरी फाइन हुआ करती थी, जेल नहीं हुआ करती थी। अब एक कॉन्सेप्ट आ गया 2013 में, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अपने है क्या इनको सीपीटी में? है, आईपीसीसी में। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है कि अगर किंगफिशर गलती करता है तो किंगफिशर जेल में नहीं जाएगा, जेल में कौन जाएगा? विजय माल्या जाएगा, इसलिए भाग रहा है। आप सभी जानते हो सहारा का ओनर कौन है? वाव, क्या नॉलेज पाया आपने इस कम उम्र में। यू नो ही इज द ओनर, सुब्रत राय। कहां है अभी वो? जेल में। क्यों रे? सहारा ने गलती की, सुब्रत राय अंदर। ये 2013 का कमाल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप किसी की खैर नहीं, 2013 में इतना कानून सख्त हो चुका है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अब जो भी इंसान गलती करेगा, मतलब जो कंपनी गलती करेगी, उसके पीछे जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे, उनको सजाए मौत होगी। अब की बार ट्राई टू अंडरस्टैंड मोदी सरकार, एवरीबॉडी। 2013 के बाद में द कानून हैज बिकम सो स्ट्रिक्ट, इट हैज बिकम सो स्ट्रिंजेंट कि अब नहीं छोड़ेंगे बॉस, अब क्या ना तुमने ठोक देंगे। पहले ऐसा नहीं था। अब आपको सब क्या भाई अननेसेसरी क्यों एक्ट लाते, 1956 2013 काफी चीजें तो वही है, बट इट हैज बिकम मोर स्ट्रिंजेंट, मोर स्ट्रिक्ट। कौन सा? और 2013 को ही हमें पढ़ना है, अब बहुत मजा आएगा, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सी। मैंने तो सीएस किया लॉ समझने के लिए, लॉ बिकॉज आई लव लॉ, तो इसलिए मैंने लॉ LLB भी कर लिया। तो मुझे एक्चुअली कुछ लोगों को देखे लॉ पढ़ते समय एक अंदर से इंटरेस्ट आता है, वो आपको आएगा। यहां पे बैठा हर बच्चा ये बोलेगा सर लॉ के लेक्चर में कभी बोर नहीं होता, हमें ऐसा लगता है और सीखे और सीखे, बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा बोरिंग कुछ नहीं है, ये इंग्लिश हिंदी समझना नहीं है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये समझा बच्चे ये लॉ क्यों आया होगा? आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, आओ चलो आओ चलो। मैं बेटा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे पास देखिए भाई और बहनों, हम बात कर रहे हैं लॉ कौन लाता है, मैं यहां लिखता हूं। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हो आप? हां बेटा, कोई भी लॉ पढ़ेंगे, चाहे डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, चाहे कंपनी लॉ पढ़ेंगे, या दुनिया का कोई भी एक्ट पढ़ेंगे, तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए जो आज मैं कह रहा हूं। This will help you to read and understand every law in the world. आप LLB कर रहे हो, CS कर रहे हो, कभी भी, ये वो मुद्दे है, ये वो सिद्धांत है, ये वो उसूल है, जिसको समझने के बाद ही आप दुनिया का कोई भी लॉ समझ सकते हो। यही नहीं आता तो बिल्डिंग बनेगी कैसे जब फाउंडेशन ही नहीं है। These are the things to be understood. You should know what is the difference between act and law. What is the difference between parliament and CG? What is the difference between section and rules? ये सब कुछ समझेगा। आइए देखते रहे भाई, लॉ कौन लाता है बच्चों? वेरी गुड। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है इस समय? कौन है? बराबर है, कोई शक या सवाल? अब बताओ एक सवाल पूछेंगे, बिल में और चलो एक्ट में क्या फर्क होता है? सर बिल तो कहीं बहुत बार न्यूज़पेपर में सुना है, बिल मतलब कुछ तो भी बिल होता है और फिर वो एक्ट हो जाता है। बिल एक ऑफर होती है, अच्छा, और एक्ट क्या होता है? जब वो पास हो जाता है। तो यह बिल जब पार्लियामेंट में पास हो गया तो उसका नाम बदल के एक्ट हो जाता है। इज इट ओके? फाइन एवरीबॉडी, अच्छे से समझना। ये जो लेक्चर है ना, अगले 70 लेक्चर इसी फाउंडेशन पे चलेगा, वरना बार बार आएगा। ये रूल है, ये सेक्शन है, ये सब सेक्शन है, ये क्लॉज है, ये एक्ट है, ये लॉ है। अरे क्या है भैया, आई शुड नो द एग्जैक्ट डिफरेंस, ये है, वो है, दैट्स इट, ओवर। उसमें कोई संकोच और शंका नहीं होना चाहिए। ओके अच्छे बच्चों ने वापस बताओ, बिल क्या होगा? पहले तो पार्लियामेंट में जाएगा, फिर लोकसभा, राज्यसभा, दोनों उसको क्या करेंगे? हां कहेंगे, और उसके बाद में वो क्या बनेगा? पर एक्ट बन जाएगा इतने जल्दी से? ओ सर अभी कौन बाकी है? वो शख्स बाकी है प्रेसिडेंट, अभी का नया प्रेसिडेंट कौन है? क्या नाम बोला आपने?
ये कुछ बोल रही है राम राम, कुछ बोल रही है रामनाथ कोविंद, राइट एवरीबॉडी। ये हाल ही के प्रेसिडेंट है हमारे, तो इसके पहले कौन हुआ करते थे? प्रणव सब, मतलब कमनीज एक्ट जब आया होगा तो इसके बाद में यहां पे प्रणव मुखर्जी आए थे। मैं 2013 की बात करूंगा तो प्रणव मुखर्जी आएंगे, प्रणव सर बात करेंगे और प्रणव सर ने हां कह दिया तो वो एक्ट बन जाएगा। इज दैट फाइन एवरीबॉडी? है गाइस आर यू देयर? एक बात मैं पूछ लेता हूं, वापस से दोहराते हैं, ये बिल कौन लाता है वैसे? अरे ये नहीं मालूम, बिल कौन लाता है? ये कौन लाता है बिल? ए चिंटू बॉल, रूलिंग पार्टी बिल लाती है। थोड़ा और विस्तार में कहूंगे, देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना, आपको मजा आ रहा होगा। अच्छा ऐसा होता है क्या? ओके टेल मी हु मेक्स द बिल, मे बी टेल मी, रायचूर? नहीं, हां जी कोई औरंगाबाद से बैठा हुआ यहां पे? यहां पे धान, हां जी बोलो भाई, कोई जवाब देंगे मुझे? मैं जो बोल रहा हूं, मिनिस्टर लाते हैं। कौन से मिनिस्टर भाई? रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर। आप सभी जानते हो भारत सरकार ने बीजेपी के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए, जैसे कि रेलवे, बराबर है, जैसे कि फॉरेन, समझ रहे हो, फॉरेन अफेयर्स, या फिर आप जानते हो कि भारत में बहुत सारे एरिया में, जैसे कि कंपनीज एक्ट के लिए एक बना हुआ है, कंपनीज, कंपनी चलाने के लिए, कॉरपोरेट अफेयर्स के लिए एक मिनिस्टर बनाया हुआ है जिनका नाम है, जिनका नाम है एमसीए, आई मीन द कॉरपोरेट अफेयर्स का मिनिस्टर कौन है भाई? जैसे रेलवे मिनिस्टर अलग हो गए, भारत में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, सिक्योरिटी मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, महिलाओं के लिए मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है। तो मैं कुछ लिखता हूं, एजुकेशन मिनिस्टर, यह है एजुकेशन मिनिस्टर। उसके बाद में भारत के लिए वुमेन प्रोटेक्शन के लिए है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे वो है, भारत के जो रास्ते सुधारने वाले वो कौन है? गडकरी साहब है, आप जानते हो, है ना। और महिलाओं के संरक्षण के लिए हमारे वो गांधी, क्या नाम, मेनका गांधी है। ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर कंपनी अफेयर और भारत में एक और एक चीज है फाइनेंस अफेयर्स, ये दोनों को संभालने की जिम्मेदारी मोदी जी ने एक प्रमुख इंसान को दी है, जो वैसे पेशे से एमपी नहीं है, जो जीते हुए एमपी खासदार भी नहीं है। सोचो जो खासदार हार गया चुनाव में पर उसके नॉलेज की वजह से उनको आज ये भारत का सबसे उच्च मिनिस्टर बनाया गया। बुलाइए भाई, कौन से? अरुण जेटली साहब। तो मैं नाम लेना चाहूंगा ऐसे शख्स को, आप समझ सकते हो जो चुनाव में जीत गए और मिनिस्टर है, मतलब इस बंदे में कुछ खास होगा। ऐसे ही बंदा ने एक्चुअली यू जस्ट यू नो, आपको अभी थोड़ा थोड़ा जब कंपनी एक्ट समझने लगेगा ना, यू जस्ट लिसन टू हिम वंस। जब जिस तरह का लोकसभा में जब वो बोलता है तो सिर्फ वो अकेला ही बोलता है, इतना इंटेलिजेंट है। एक्चुअली वो कौन थे मालूम है? ही वॉज द लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है कपिल सिब्बल, चिदंबरम और क्या नाम है अरुण जेटली, ये तीनों भी कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज लॉयर्स में से आते हैं। इनके नॉलेज को देखते हुए भारत सरकार ने इनको, जैसे बीजेपी ने जेटली जी को लाए, कांग्रेस ने कपिल सिब्बल को लाए थे, कुछ लोग थोड़ा सा जानते होंगे कांग्रेस बीजेपी तो समझता होगा। ये क्या है, ये लोग पेशे से पॉलिटिशियन नहीं है, ये पेशे से दिमाग वाले लॉयर है, इतने इंटेलिजेंट है। इनके 20 मिनट का अगर एडवाइस देंगे तो 2 लाख रुपए लगेंगे। दे आर हाईली क्वालिफाइड, इंटेलिजेंट, मतलब उनके दिमाग की कोई सीमा नहीं। तो मोदी जी ने कहा ये काम, भले ये इंसान हारा हुआ है चुनाव में, पर ये इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। नाम तो सुना होगा, अरुण जेटली साहब को कंपनीज एंड अफेयर्स, ये सब बिल पढ़ा रहे थे। अरुण जेटली कहां से गए बीच में? अब मुझे बताओ, मैंने अरुण जेटली के बारे में इतना ज्ञान क्यों दिया? मैं तो बिल की बात कर रहा था। Tell me guys, why did I discuss about Arun Jaitley so much when I wanted to talk about bill? तो बिल लाया किसने, प्रस्ताव रखा किसने, उस एरिया का विशेष इंसान, जीएसटी को, जीएसटी का बिल का प्रस्ताव रखा किसने? अरुण जेटली, कम्युनिस्ट 2013 का जो इंसान है, ट्राई टू अंडरस्टैंड 2013 की तो बात नहीं, पर ऐसे ही जब भी कम्युनिस्ट का मैटर आएगा अब इंडिया में, उसका बिल कौन बनाएगा? अरुण जेटली, मतलब ये कम्युनिस्ट के जो हेड होते हैं वो बनाएंगे। एवरीबॉडी गॉट इट? ये हुआ बिल, और बिल के बाद में क्या होगा? ये बिल कहां रखा जाएगा फिर? अब मैं रख दूं यहां पे, बिल लिख दूं, अब बताओ अरुण जेटली जी ने क्या बनाया? बिल्कुल हां। अब क्या होगा बच्चों, बिल कहां जाएगा? वेरी गुड, देखो आप खुद ही बोल रहे हो, ये पार्लियामेंट, मतलब कौन जाएगा बच्चों यहां पे? लोकसभा, राज्यसभा, और फिर क्या होगा? दोनों कहेंगे हा हा, फिर क्या बनेगा ये बिल? ओ एक्ट अभी भी नहीं बनेगा,
अभी जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, फिर क्या होगा, फिर वो बिल पास हो जाएगा। अब नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एक्ट हो गया, ऐसे एक्ट आ गया। सो बताओ जीएसटी आ रहे में इतना टाइम क्यों लगा, आज सभी को थोड़ा तो जीएसटी एकदम जल्दी से नहीं आता, इट टुक लॉट ऑफ टाइम, टेल मी व्हाई। यही प्रोसेस है लोकसभा राज्यसभा में, हमारे पक्ष के नेते भी है जो बीजेपी के है, आई डोंट अंडरस्टैंड। लोकसभा में तो मोदी जी को टेंशन नहीं बिकॉज उनका मेजोरिटी है, थोड़ा पॉलिटिक्स जानते हो, बीजेपी के ज्यादा सीट है ना, इसलिए तो वो पीएम बने हैं। तो लोकसभा में तो बीजेपी को टेंशन ही नहीं है, पर राज्यसभा ये बीजेपी का नहीं है, इसमें बहुत सारे पक्ष के अलग अलग इलेक्टिव लोग होते हैं, आई मीन जिनको इलेक्टिव मतलब क्या सिलेक्टिव लोग होते हैं, जो उचार उचार लोग लाते। ये लोकसभा में तो खैर बीजेपी की चलती है, तो लोकसभा में तो आसानी से पास हो जाएगा जीएसटी, पर राज्यसभा में पास नहीं होगा बिकॉज वहां पे सिर्फ बीजेपी बीजेपी नहीं है, वहां पे तो ऐसे ऐसे लोग ना जो दिग्गज होशियार लोग बैठे, वो कमॉन यार। तो फिर यहां पे पास होने टाइम लग गया, कोई बात नहीं, जीएसटी हमारे बीच है दोस्तों, एक्ट आ गया। अब ये एक्ट तो आ गया, अब एक सवाल पूछेंगे, हमारे सिलेबस का नाम क्या है? अंकिता जी आपने क्या बोला, सिलेबस का नाम एक्ट है क्या, लॉ है? नहीं नहीं, एक्ट होगा, कॉर्पोरेट एक्ट है। अच्छे से देखो आपने क्या डायग्राम बनाया था। नहीं 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 नहीं, अरे इसको हम तो लॉ है, अब तो हम एक्ट है, दोनों में फर्क क्या, फिर आपने एक्ट क्यों पढ़ा है? एक्ट और लॉ में सेम ही, आर दे सेम और डिफरेंट? सो लेट मी टॉक टू यू गाइस ऑन दिस मैटर, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट। अच्छा बोलो भाई और बहन, आपको जवाब देना है कि लॉ और एक्ट में क्या फर्क है। ऐसा टुकुर टुकुर क्या देखते हो मेरे पास में, जवाब दो, बोल बेटा बोलो, तुम्हारी आंखों में कुछ दिख रहा है मुझे। एक्ट लॉ सबके लिए होता है, एक्ट स्पेसिफिक चीजों के लिए होता है बेबी, ऐसा नहीं मुन्ना। हां जी, कोई जवाब देने में आप बोलेंगे ना तो फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा, आप बताओ। आपको ऐसा बोरिंग टीचर चाहिए तो ठीक है, अब से मैं सवाल पूछू नहीं क्या? काफी कुछ सही बोलता है पर मुझे आगे बोलना पड़ेगा, सुनिए अब ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सर, हमें जानना जरूरी है, वरना कैसे समझेगा एक्ट पढ़ रहा हो क्या मैं लॉ पढ़ रहा हूं? हमारे सिलेबस में हमेशा लॉ लॉ लिखा रहता है, डायरेक्ट टैक्स लॉज। तो मतलब एक्ट अगर है तो लॉ क्या होता है? आई शुड नो द डिफरेंस बेबी, टेल मी कम ऑन, व्हाट इज द डिफरेंस? ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन एवरीबॉडी नाउ, एवरीबॉडी, लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस टनट। ये क्या चक्कर है, लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस वर्क, कम ऑन एवरीबॉडी नाउ, टेल मी। सर इसके अंदर और कुछ बाकी है? यस बेबी, कम ऑन टेल मी, रूल्स, रूल्स, या रूल्स, केस लॉज को मिलाकर लॉ बनता है। समझा क्या मैं क्या बोला दोस्तों? लॉ की परिभाषा एक्ट से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अगर मैं एक्ट को आपके सामने बेरहट रख दूं ना, यहां पर हिंदुस्तान में कोई भी एक भी इंसान नहीं होगा जो इस एक्ट को समझ पाएगा। एक्ट को समझने के लिए कमाने में बड़ी रूल्स की जरूरत होती है, उसको समझने के लिए केस लॉ की जरूरत। एक्ट के नॉट बी रेड अलॉन, एक्ट को अकेले में नहीं पढ़ाया जाएगा, एक्ट को समझने के लिए एवरीबॉडी खबाना, आपको रूल्स भी पता होना चाहिए और केस लॉज भी पता होना चाहिए। इसलिए दोस्तों आईपीसीसी के सिलेबस में आपको सिर्फ एक्ट ही नहीं, रूल्स भी पढ़ाए जाएंगे, केस लॉज भी पढ़ाए जाएंगे, तब जाके नाम हो जाएगा लॉ। और आपको क्या पढ़ना है, नॉट ओनली एक्ट बेबी, यू हैव टू रीड रूल्स, यू हैव टू रीड केस लॉ, समझा? चलो एक बात पूछ ही लेते हैं, ये केस लॉ क्या होता है? देखो आप डरो नहीं, जब मैं भी आपके जैसा छात्र हुआ करता था, आई वॉज सो स्केर्ड, अगर मुझे आता भी था ना, आई नेवर यूज टू आंसर बिकॉज एक फोबिया दिल में डर होता है, पर कहीं ना कहीं डर के आगे ही जीत होती है। अगर मेरी डर की आदत उस दिन अगर छूटती नहीं तो मैं आज प्रोफेसर बनता नहीं। When I was like you in 11th, 12th standard, I never used to speak because I was getting scared. I used to feel, अगर मैं बात करूंगा चार लोग हंसेंगे। I used to have the knowledge about it. I was knowing the answer, but I could not answer because that phobia was in mind कि मैं बोलूं और चार लोग हंसेंगे।
लोग कुछ भी कहेंगे, वाई द हेल यू शुड बी बॉदर अबाउट इट। ओके, अगर लोग सुनेंगे तो जिंदगी में आगे प्रोग्रेस। इसलिए आईपीसीसी का आज पहला दिन है, समझ लीजिए, जब भी आता है ना, गलत हो या सही हो, पर मान लीजिए सही आया तो वो भी आंसर कभी भूलोगे नहीं, और गलत आया तो कभी नहीं भूलोगे। सपोज यू स्पोक समथिंग विच इज नॉट राइट, आपके दिमाग में रहेगा क्या, ऐसा क्या बोल दिया था मैंने जो गलत हो गया। नाउ इट विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। ओके, एंड व्हेन यू ऑलवेज फील लाइक मुझे आंसर करना है, आंसर करना है ना, तो हमेशा यू आर ऑलवेज एक्टिव, वरना फिर एक समय में यू बिकम पैसिव, फिर आपका ध्यान नहीं रहता। यू शुड ऑलवेज फील किया मुझे आंसर करना है, मैं सबसे आगे जाऊंगा। दैट एटीट्यूड शुड कम आउट, यू आर गोइंग टू बिकम प्रोफेशनल, यू आर नॉट इन सीपीटी, कम ऑन, अभी आपका फाइनल सीए फाइनल में आना और सीए बनना तय है। वो पहली क्या बोलते हैं, वो सीढ़ी पार कर लिया, अब आपको सीए बनना है या नहीं बनना है उस पर संकोच नहीं है। सीए तो बनना ही है, सिर्फ एक दो अटेम्प्ट इधर उधर। आप में से हर कोई बच्चा सीए तो बने गई, ऑब्वियसली यू आर डन विद सीपीटी। अब फेल होगा, एक दो बार फेल होंगे, ऐसा नहीं कि सीए नहीं बनेंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अब तो आपको सीए बन के ही निकलना है, पर हम चाहते हैं यू शुड गेट थ्रू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। इसीलिए क्या होना, पढ़ने से हमेशा यू शुड बी सो यू नो, आपको डाउट होना चाहिए, सर ये क्यों बोला आपने, कुछ भी पूछो ना, जैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपका भला होता, चार लोग जो नहीं पूछते उनका भी भला होता। समटाइम्स यू फील दैट कि यार मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए था, फिर आप क्लास में से बाहर आके पूछते हो, डोंट डू दैट, आस्क सर मैम ये क्या है, कैसे आए, क्यों है। ऑलवेज हैव दैट हैबिट, व्हाई मैम ये मत पढ़ो, क्या है ये पहले बताओ, क्यों है ये, ऐसा क्यों है लिखा, ऐसा आपने पूछना चाहिए, है ना बच्चों। अच्छा चलो मैं एक बात पूछो आपसे, केस लॉस क्या है, बोलो जल्दी से। देखो कैसा होता है केस लॉस, मतलब क्या होता है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर चीजों के बारे में जजमेंट दिए होंगे, समझ में आ रहा है क्या? कुछ चीज होती है उसके बारे में जजमेंट्स पहले से आए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के बारे में यह कहा है। एक्ट क्या होता है, एक्ट में सिर्फ लाइन्स लिखी होगी, बट कभी कभी क्या होता है एक्ट कहता है कुछ और है, आम जनता कुछ समझती और है, गवर्नमेंट समझता कोई और है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बोलता है तुम झगड़े मत करो। मतलब गवर्नमेंट बोलेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा टैक्स भरो टैक्स भरो, आम जनता बोलेगी मैं क्यों टैक्स भरू, मैं नहीं भरूंगा, तो आम जनता बोलती है ना इसमें क्या लाइन लिखी है कि टैक्स मत भरो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं नहीं इस लाइन का मतलब ऐसा है कि टैक्स भरो, आप बताओ झगड़े कौन कर रहे हैं, आम जनता और दूसरी तरफ कौन है, झगड़ा सॉल्व कौन करेगा, कोर्ट्स। समझ में आया, वापस से बोलता हूं, देखो एक्ट किसने बनाया, चलो बहुत अच्छी जगह पे ले जाऊंगा, ऐसा आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। आइए मुझे केस लॉस के बारे में बताना है, और ध्यान से सुनो ना अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, एकदम जोरदार, एकदम आपको मैं टाइम भी दूंगा लिखने के लिए, पहले आप समझ लेंगे फिर आप लिखेंगे। ओके, इधर आओ ना, आ जाओ मेरे पास में, आप देखेंगे। देखो बच्चों एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, लॉ मेकर, ठीक है ना, लॉ एग्जीक्यूटर और लॉ इंटरप्रेटर, इस तीन शब्दों में फर्क क्या है। एक तो लॉ बनाने वाले लोग हैं, बताओ बच्चों लॉ कौन बनाता है, अरे अभी तो बोला ना यार, क्या कमाल करते हो आप यार, बोलो बच्चों, ये पार्लियामेंट बनाएगा राइट, है ना, फिर लॉ एग्जीक्यूट कौन करेगा, लॉ, ए लोकसभा राज्यसभा ने कंपनी एक्ट बनाया, लोकसभा राज्यसभा ने जीएसटी बनाया, बताओ बच्चों एग्जीक्यूट कौन करेगा। आखिर जो लॉ बनते हैं सिर्फ किताबों में नहीं, जीएसटी सिर्फ किताबों में नहीं दोस्तों, आ भी चुका है, हम जीएसटी फॉलो करने भी लगे। अरे लगे नहीं, लगे आ गया कि नहीं आ गया, आपकी फीस भी जीएसटी द्वारा हुई है, इसका मतलब भारत में सिर्फ लॉ बनते ही नहीं है, ये समबड़ी टू इंप्लीमेंट द लॉ, आपको जवाब देना है लॉ भारत में कौन इंप्लीमेंट करता है, सोच के जवाब देना। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक पार्लियामेंट दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, वापस से एक बार पूछता हूं, पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोस्तों ये वो लोग होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इन्होंने लॉ तो बनाया पर लॉ को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दी है कौन है बड़े, कौन है बड़े, सेंट्रल, और यहां में नाम आ चुका है नरेंद्र भाई मोदी। दोस्तों ये नरेंद्र भाई मोदी आए जिन्होंने इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उठाई है। दोस्तों भारत में नरेंद्र भाई मोदी का अकेले काम करेंगे, मतलब मोदी जी जीएसटी लगाएंगे, मोदी जी कम नहीं, एक मिनट रुकिए मुझे आपसे सवाल पूछना है, क्या मोदी जी काम करेंगे या मजाक करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना इंसान है इंडिया में घूमता है, इंडिया को ग्रोथ कर रहा है, बाहर जाता है, क्या लॉ को इंप्लीमेंट भी वही करेंगे,
उन्होंने अपने साथ में ऐसे लोग रखे हैं। बोलो कैसे लोग रखे हैं? सो दोस्तों, आज सभी जानते हो लॉ बनाने वाला और कोई नहीं, बोलो ना बच्चों, लॉ बनाने वाला और कोई नहीं, जल्दी बोलो, और लॉ को एग्जीक्यूट करने वाला है। सो सर, मोदी जी ही हर लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं? नहीं बेटा, मोदी जी के पास में अगर कंपनीज एक्ट के सिर्फ बात करूंगा इस समय, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी, पर मोदी जी ने कंपनीज एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए भारत में कम ऑन कुछ इंस्टीट्यूट और कुछ संस्थाओं को लाया है जिसका नाम है MCA, ROC, SEBI, ये वो सारे लोग हैं जो कंपनीज एक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे भारत में। वंस अगेन आई रिपीट, ओके दोस्तों, आपको ये बात क्लियर होना चाहिए, लॉ बनाने वाले पार्लियामेंट है, पर लॉ को सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? अरे कंपनीज एक्ट कौन लाता है? बार बार ROC आएगा, बार बार MCA आएगा, बार बार CJ आएगा, आपके दिमाग में भेजा फ्राई होगा ये आखिरी इनमें सब में। अरे ये वही शब्द जो बार बार आएंगे, SEBI आएगा, ROC आएगा, MCA आएगा, यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस, पार्लियामेंट आएगा, CJ आएगा, ये वो मुद्दे है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लॉ तो पूरा समझा देंगे पर इनके बगैर लॉ को समझना मुमकिन है नहीं, मुश्किल है। ये बोलो ना मैं क्या बोल रहा हूं, ये कौन है, इंप्लीमेंट करेंगे या लॉ को बनाएंगे? ठीक है सर, ओ सर, ये लॉ को इंटरप्रेट करने वाले सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाँ, हाई कोर्ट होते हैं, हाँ, एक होता है आजकल स्पेशल कोर्ट और आया है NCLT, ठीक है, ये सारे कोर्ट्स है। आजकल कंपनीज एक्ट के सारे काम NCLT और स्पेशल कोर्ट संभालते हैं, कंपनीज एक्ट के संबंधित सारे मैटर्स को स्पेशल कोर्ट और NCLT को संभालने के लिए है। मतलब कंपनी साइड में कोई भी मैटर होगा तो आपको कौन से कोर्ट में जाना है, स्पेशल कोर्ट और NCLT में जाना है। फिर एक सवाल मैं पूछूं आपसे, ऐसा क्या होता है जो इंटरप्रेट करने की जरूरत है लॉ को? हो गया ना, क्या जरूरत क्या है? इन्होंने लॉ बनाया, इन्होंने फॉलो किया, आप मुझे बताओ फॉलो ये लोग तो इंप्लीमेंट करेंगे, है ना बच्चों, और फॉलो कौन करेगा? कंपनीज करेगी, बिकॉज हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो कंपनीज करेगी। कंपनीज मतलब कौन सी कंपनी? यही सहारा, किंगफिशर, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, टाटा, वे टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट। तो यहां पे मैं लिखता हूं कंपनी, क्या करती कंपनी, क्या करती है? फॉलो। और अब मुझे बताओ झगड़ा किस बीच में होता होगा और लॉयर्स अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, कोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ती होगी? दोस्तों आपको जवाब देना है, कोर्ट की जिम्मेदारी क्या है? अगर जो पार्लियामेंट ने लिखा है ये दोनों अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो लॉ की जरूरत क्या, इंटरप्रेट करने की जरूरत क्या है, बताएंगे आप बच्चों? यहां पे कोर्ट की जरूरत क्या है अगर ये लोग, अरे आता कि नहीं दोस्तों, ये दोस्तों ये जो लॉ है ये लॉ को बनाते हैं ये कंपनी वाले फॉलो करते हैं, MCA वाले ROC वाले ये इंप्लीमेंट करवाते हैं। आपको जवाब देना है स्पेशल कोर्ट और अदर कोर्ट्स की जरूरत क्या है? भारत में कोर्ट्स का निर्माण क्यों है? डिस्प्यूट किसने कहा? डिस्प्यूट किसने कहा? डिस्प्यूट किसके बीच में? डिस्प्यूट भाई कंपनीज और इन्वेस्टर्स, ओके, और कुछ, और कुछ बताएंगे? अब सोचिए ROC और MCA के मुताबिक एक लाइन है कोई तो लिखी हुई यहां पे, इस एक्ट में कोई लाइन लिखी है उसके मुताबिक MCA और ROC का मीनिंग कुछ अलग निकलता है, वो कहते हैं इसका मीनिंग कुछ अलग है और कंपनी कहती है इसका मीनिंग कुछ अलग है। अब दोनों फाइट करेंगे, झगड़ा कौन सॉल्व करेगा? कंपनी वाले कहेंगे हम सही कह रहे हैं और ROC कहेंगे हम सही कह रहे हैं, MCA कहेगा हम सही है, अमनी वाले हम सही। अब बताओ ये दोनों झगड़ा करेंगे सॉल्व कौन करेगा? समझ, इसका नाम क्या है? लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए यहां पे लॉ को लाया जाता है, यहां पे कोर्ट्स को लाया जाता है, यहां पे NCLT को लाया जाता है। आपको एक केस मैं समझा होगा जिसका नाम है वोडाफोन। वोडाफोन का केस किसी को पता है? यहां पे मैं आपको वोडाफोन के इस चीज को समझाने के लिए आपको मैं वोडाफोन में लेके जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना और ये पूरी अमाउंट देखिए, देखते क्या लिखा है यहां पर, कितने पैसे लिखे भाई? ये 11 करोड़ नहीं बच्चा, ये 11,000 करोड़ है। सर ये क्या था, ये चक्कर क्या था? इनकम टैक्स के एक लाइन में लिखा था
एक लाइन में लिखा था, जिसको पढ़ने वाले दो लोग थे, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक वोडाफोन। वोडाफोन बोलता था इस लाइन का यह मतलब हुआ है कि मुझे टैक्स नहीं भरना है, ऐसा कौन कह रहा था? और इनकम टैक्स बोलता नहीं नहीं तुमको भरना ही पड़ेगा पैसा। और पैसे कितने थे? छोटी बड़ी अमाउंट नहीं, 11,000 करोड़। 3 साल यह केस चलता रहा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता था वोडाफोन 11,000 करोड़। वोडाफोन बोलता मैं नहीं भरूंगा। अरे मजाक है क्या, 11,000 करोड़ मैं क्यों भरूं? टैक्स इस लाइन का मतलब होता ही नहीं। लाइन सिर्फ इंग्लिश में लिखी थी, पर इसको बोलते हैं यू शुड बी एबल टू इंटरप्रिट द लॉ। फिर बोलता है कोर्ट, बोलता है झगड़ा नक्को करो, मैं बीच में आता। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला लिया कि वोडाफोन को, क्या लिखा है देखो, वोडाफोन विंस 11,000 करोड़ का टैक्सेस इन सुप्रीम कोर्ट। समझ गया, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये लॉ की जरूरत क्या है, और लॉ के साथ साथ में बोलो जल्दी से कोर्ट्स की जरूरत क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट, अगर एनसीएलटी जैसे कोर्ट नहीं होते तो दोस्तों ये बगावत हमेशा बगावत ही रह जाती, झगड़ा हमेशा, और हमेशा गवर्नमेंट बोलते और एमसीए बोलती हम सही है और आम कंपनी बोलती। अब बताओ ये जजमेंट जो आया हुआ है ये बन गई केस लॉ। अब कैसे केस लॉ बन गई? अब कल चल के ऐसे मैटर में कोई भी, समझ में आ रहा, कोई भी केस आएगी बोलो वापस से सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, लोग आप सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल देंगे, उस वोडाफोन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोडाफोन सही है, मतलब कोई भी आम कंपनी बोलेगी ए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुप, सुप्रीम कोर्ट को बोलोगे? बोलो तेरा नाम बोलो। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा था कि वोडाफोन सही है, मेरा मैटर भी वैसा ही है, वापस सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो फैसला है, जो वो केस लॉ है उस केस लॉ को मद्देनजर रखते हो, मुझे भी टैक्स पे करने की जरूरत। ऑल दो ये केस लॉ बोलो एक्ट में लिखी नहीं, एक्ट में लिखी है केस लॉ। लॉ इज इक्वल टू, आपको मैंने पढ़ाया ना अभी, बोलो बच्चों क्या मैंने पढ़ाया आपको? ये वही तो पढ़ा रहा था मैं, अब आपको समझोगे अच्छा केस लॉ वो, अच्छा वो है क्या चक्कर? हाँ ये वही चक्कर है, ये इसमें सिर्फ एक्ट होगा पर साथ साथ में केस लॉ होंगे, जैसे अभी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मतलब अगली बार जब भी आप एक्ट को पढ़ोगे तो एक्ट शाल बी रेड विथ व्हाट केस लॉज, समझ गए? आप केस लॉ को, अरे इतने 500 साल में जब से लॉ बना हुआ है लाखों केस लॉज बनी है, तो आप एक्ट के साथ साथ में आपको केस लॉ को भी पढ़ना जरूरी है कि उस साल सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था। ऑल दो दिस थिंग इज नॉट रिटन इन द लॉ, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका मीनिंग ऐसा ही है। एवरीबॉडी, अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? एक बात मैं पूछता हूं आपसे एक्ट के बारे में। एक्ट क्या होता है बच्चों? एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। समझा क्या नहीं दोस्तों? अगर किसी ने कहा एक्ट क्या होता है, बोलो बच्चों सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। उसमें केस लॉ नहीं, उसमें रूल्स नहीं, पर हमारे सिलेबस में रूल भी है, हमारे सिलेबस में केस लॉ भी है, क्योंकि हम लोग एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो लॉ पढ़ रहे हैं। सर मतलब आप जो कंपनी लॉ पढ़ाएंगे उसमें ये सेक्शन भी पढ़ाएंगे? हाँ। रूल भी पढ़ाएंगे? हाँ। केस लॉ पढ़ाएंगे? हाँ। बिकॉज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लॉ। वी आर नॉट रीडिंग एक्ट। Do you understand? मतलब आपका क्या क्या आएगा इसमें? Law is equal to act plus rules. पर सर आपने तो रूल समझाया नहीं हमें, रूल क्या होता है? अरे रूल क्या होता है? रूल दोस्तों क्या है, पुराने कंपनीज एक्ट में ज्यादा सेक्शंस थे और कम क्या था? रूल्स। नए कंपनीज एक्ट में रूल्स ज्यादा और सेक्शन हुए कम। एक मिनट ध्यान से सुनिएगा अभी अच्छे से। क्या लिखा है यहां पे? जरा ध्यान से पढ़िए। कितने सेक्शन हुआ करते थे पहले 1956 में, अभी वो घटकर कितने हो चुके हैं? और रही बात रूल्स की दोस्तों, तो रूल्स यहां पे थे कम। कहां पे? 2013 में रूल्स क्या ज्यादा हुए कि नहीं हुए? और 1956 में वो रूल्स
आपने सवाल नहीं पूछा कम क्यों हुआ है, रूल्स कम क्यों हुआ है, रूल्स सर रूल्स कम नहीं हुए, रूल्स तो ज्यादा हुए हैं, तो आपको जवाब देना है रूल्स ज्यादा क्यों हुए हैं। सर रूल्स, मैं बात पूछूं, रूल्स का मतलब क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल, तो आप समझोगे रूल्स का मतलब क्या है। एग्जांपल दे रहा हूं, रूल्स का मतलब क्या है, जैसे कि डिविडेंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा सेक्शन नंबर 123 कि डिविडेंड जो है वो इस साल अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट बचता है ना तो शेयर होल्डर को दे देते हैं, ले लो भाई ले लो थोड़ा थोड़ा ले लो, तुम शेयर होल्डर ले लो थोड़ा थोड़ा, सबको डिविडेंड दे दिए। पर कभी कभी डिविडेंड तब भी दिया जाता है जब प्रॉफिट नहीं होता। अच्छा कहां से लाते पैसे, पिछले सालों के रिजर्व में से। हा? पर ऐसा क्या लिखा है, डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द रिजर्व, ऐसा एक्ट में लिखा है, एक्ट में। हा? क्या लिखा है, एक्ट में। अब इसका यह मतलब नहीं है कि पूरा खर्च करे का थोड़ा कितना लिखा नहीं है, क्या लिखेंगे फिर आप, रूल्स में लिखेंगे। एक्ट में क्या लिखा था, डिविडेंड अगर इस साल प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड पुराना रिजर्व में से भी दिया जा सकता है। ऐसा कौन बोल रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजर्व में से दे सकते हैं, पर लिखा ही नहीं है कि कितना। मान लो 5 करोड़ का पैसा हमारे पास रिजर्व में, तो क्या पूरा खर्च कर सकते हैं, क्या 1 करोड़ कर सकते हैं, क्या 2 करोड़, ये कौन बताएगा, रूल्स। इसलिए एक्ट के साथ साथ में रूल्स को पढ़ना जरूरी है, रूल्स में लिखा है अगर आपको अगर पुराने रिजर्व से अगर डिविडेंड देना है तो आपको 3 कंडीशन फॉलो करना होगी। ऐसा कौन कह रहा है, पुराने 3 साल का जितना डिविडेंड था उसका एवरेज जितना है उतने से ज्यादा नहीं देना चाहिए। मान लो पुराना आपका डिविडेंड हुआ होगा 20% 20% 20%, तो इस साल का डिविडेंड कितना होना चाहिए, 20% से ज्यादा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड आई एम सेइंग? तो ये अभी रूल्स तो मैं आपको 123 में पूरा पढ़ाऊंगा कि वो एक्जैक्टली डिविडेंड का क्या है, पर आपको समझ रूल्स का और सेक्शन का मतलब क्या, डिफरेंस क्या है। एक्ट तो क्या कहता है, हाँ तुम लोग रिजर्व में से दे सकते हैं, अरे पर कितना दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, क्या करेंगे, कितना होना चाहिए, वो सारी बातें कहां समझा जाती है, रूल्स में। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? है एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा लिखा हुआ है कि बोर्ड मीटिंग आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हो सकती है। ये सेक्शन 173, 174, 175 लिखा है सीए फाइनल में। पर ये बोर्ड मीटिंग, अरे वर्चुअल मीटिंग रे, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग अलग जगह पे बैठे हैं, वो टीवी के सामने बैठे, वैसे मीटिंग भी चलेंगे ऐसा सेक्शन बोल रहा है। पर उसको कैसा चाहिए, कितना इंटरनेट का स्पीड चाहिए, कौन सा कैमरा चाहिए, कौन से लोग वीडियो मीटिंग में बैठ सकते हैं, कैसा इन्वाइट करना पड़ेगा, ये सब कहां पे लिखा हुआ है। अब समझा एक्ट के साथ में रूल्स को पढ़ना जरूरी क्यों है। डू यू अंडरस्टैंड, रूल इज द हिस्सा ऑफ लॉ, यू कैन नॉट से एक्ट भी मुझे पढ़ना, यू हैव टू रीड एक्ट अलोंग विद, कम ऑन एवरीबॉडी, रूल्स, एक्ट अधूरा है, लॉ अधूरा है, रूल्स के बगैर और केस लॉ के बगैर। डू यू अंडरस्टैंड? If you are reading merely reading act, you won't understand lawyer. You have to read rules. Samjha kya? Hey baby, are you there? Sir, ekdam samajh mein aa raha hai, koi problem nahi, ab tak to sahi ja raha hai. Ye jo hai act hai, ye rules hai, case law hai. Everybody got it? Everyone, are you there? Ab mujhe aapko ye likhwana hai. Likhenge acche bacche? Pehle to kya likhenge hum log? Acha acha, ek sawal to main bhool hi gaya. Aakhri sawal mera aaj aapse. जवाब देंगे, मेरे आंखों में देखिए, सही जवाब देंगे हम आपको 300 का रिचार्ज देंगे, अभी क्या अभी रिचार्ज मिलेगा। पर रिचार्ज जो मिलेगा ना वो इसलिए मिलेगा बिकॉज जो सवाल है वो आपको अगर उसका नॉलेज है, मतलब आप बहुत होशियार हो, रूल कौन बनाता है और सेक्शंस और एक्ट कौन बनाता है, एक्ट कौन बना रहा है वो तो आपने अभी पढ़ा है, रूल्स कौन बना रहा है बेबी, एनीबडी कैन आंसर, कम ऑन वर्चुअल वालो आप भी जवाब दे दो, हाथ ऊपर करो वर्चुअल वालो, अरे वर्चुअल में बेटा बहुत लोग पूरे इंडिया में देख रहे हैं इस वक्त, कोई नहीं वर्चुअल से भी कोई नहीं, आप जवाब दीजिए। मेरा एक सवाल है, एक्ट कौन बना रहा है, एक्ट के सेक्शंस कौन बना रहा है और रूल्स कौन बना रहा है। कहते हैं नए कम्युनिटी एक्ट में ज्यादा रूल है, सेक्शन 470 ही है, तो रूल्स ज्यादा है ठीक है, पर रूल्स बनाता कौन है। हाँ बेटा जवाब देंगे, ए बेबी इट इज नॉट राइट, एनीबडी एल्स?
नो ओके, मैं जवाब दूंगा, आप मुझे रिचार्ज दे दीजिए, सब लोग 300 रुपए कल लेके आ जाना, ओके? जस्ट जोकिंग, ओके? दोस्तों आपने ये तो समझा ही है, एग कौन बनाई बच्चों? एग ब्रैकेट में सेक्शंस कौन बनाता है? कोई बोलता नहीं इस क्लास में, लोकसभा प्लस व्हाट? और रूल बनाने वाला और कोई नहीं, टैन टैन टन। अच्छा, ओहो, इसका मतलब बीजेपी चाहे वो व्हिच रूल बना सकती है, इसीलिए तो नए कम्युनिस्ट एक्ट में बार बार इनको पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के सेशन लिमिटेड वक्त के लिए होते हैं, उसमें ये लोग इतनी मस्ती करते हैं। आप कभी लोकसभा राज्य देखा ना, वो काम कम करते हैं, शोर ज्यादा करते हैं। दोस्तों इन्होंने भारत को कभी प्रोग्रेस होने ही नहीं दिया, ये लोग तो हम तभी कम बहस करते हैं और मारा मारी करते, वो तो मारा मारी भी करते हैं अंदर, आपने देखा उनको? दोस्तों लगता ही नहीं ये लोग को जीता कर हमने, मतलब देकर क्या गुनाह किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, यहां पे ये तो बहुत लिमिटेड समय के लिए आते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो 12 महीने यही होती है, मोदी जी यही होते हैं, जब चाहे मोदी जी ने और जेटली जी ने सोचा, रात में सोचा, सवेरे रूल बन गया। आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हे गाइस कम ऑन, तो रूल्स, अब बताओ कौन जवाब देगा मुझे? इंटेलिजेंट बच्चा, कोई सीपीटी में 170-180 स्कोर किया है? हमें वन कितना स्कोर किया चंटी? 179, एक बार ताली बजाओ इनका, क्या बात है, 179 स्कोर, कोई है 170 प्लस? क्या चिंटू कितना स्कोर किया आपने? 176, क्या नाम है आपका? शरद शेड़के के लिए ताली बजाओ यार, 176 डिजर्विंग कैंडिडेट, हां जी। 178, क्या नाम है आपका जी? अभिजीत, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कांग्रेचुलेशन। और बताओ कितना चिंटी? 170, अरे तुम्हारी क्लास में कुछ ज्यादा टैलेंटेड लोग हो गया, 170, क्या नाम चिंटी? श्रेया के लिए ताले बजाओ यार, यस कोर्स, आपको ताले, आपको खुशी नहीं इसके लिए? ताले बजाओ ढोकलो, हाँ 175, क्या नाम है आपका? पूनम के लिए भी रिसी स्कोर 175 सीपीटी, क्या क्लास है आपकी यार, सुपर फैंटास्टिक। आज जितने लोग 170 वाले, आपसे सवाल है, हम आपको जवाब देना है, अभी तुमने जवाब नहीं दिया तो फिर देख लेना। पूनम, श्रेया बेटा, आपका आपका स्कोर कितना था? 176। आपका नाम क्या बोला? शुभम, आपसे सवाल है। क्यों मैंने हाथ ऊपर क्या बोला? दिमाग लाके बताओ, लॉर्ड ऑफ रूल्स क्यों है? नए कम्युनिस्ट एक्ट में ज्यादा रूल्स क्यों रखे होंगे? क्या इसके पहले कोई साजिश है, कोई वजह है? सेक्शन घटा दिए, रूल्स बढ़ा दिए, मतलब कि कल्चर के रूल्स को चेंज करना भी है? आ ना, नहीं नहीं, नहीं, नीचे 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 बैठो, हाँ जी बोलिए। और सेक्शंस को अगर चेंज करना तो कहां जाना पड़ेगा, और अगर रूल्स को चेंज करना तो कहां जाना पड़ेगा? तो मतलब उन्होंने होशियारी क्या करी, समझा क्या? अब आपकी बार दोस्तों, इस सेक्शन में अमेंडमेंट ला रहा है तो भले ही लोकसभा राज्यसभा में जाना है, पर लॉ के अंदर जो रूल्स लिखे हुए हैं, बोलो जल्दी से, उसके अंदर चेंजेस लाना है तो हम लोकसभा राज्यसभा के मोहताज नहीं है, बार बार सेशन का घड़ी घड़ी इंतजार करे तो क्यों करे? आपकी बार, मैं मोदी सर का जब चाहे तब रूल्स को चेंज कर सकता हूं, मुझे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, सर देर, मतलब रूल्स को ज्यादा लाने के पीछे वजह क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूती दी गई है, जिस तरह का पावर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सक्षम बना है, आप जब चाहे तब जितने चाहे उतने, अरे बोलो यार, किसको पूछने की जरूरत नहीं है? अरे मैं मोदी, मैंने फैसला कर लिया ना, खत्म। रात में सोचा, दिमाग में आया ये रूल है, 12 बजे सोचता हूं मैं, तो लगे आ जाता है, ठीक है, एवरीबॉडी गॉट इट यार। यही वो चीज है जो मैंने आपको समझाना थी, बहुत जोरदार, आप इसको जरूर लिखेंगे, जल्दी जल्दी पहले दे लिखेंगे। एक बार आप बोल के बता देंगे मुझे, एक एक मैं बोलूंगा फिर आप लिखना, लॉ इज इक्वल टू बगर, देखिए अभी यार, कोई देखा तो फेल हो जाता है यार, मेरे आंखों में देखो, सब मेरे पास देखो,
बताओ बच्चों, लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस, क्लियर है? एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन प्लस क्लॉज प्लस. वाह दोस्तों, इस सिलेबस में एक्ट पढ़ रहा है या लॉ पढ़ रहा है? सो हमें क्या पढ़ना है? सेक्शन और सब सेक्शन तो पढ़ना ही है, साथ साथ में रूल्स भी पढ़ना है. एक बात मैं पूछ लेता हूं, रूल्स को लाने वाला कौन है? एक्ट को लाने वाला कौन है? इतना लिखो पहले, फिर हम और रिवाइज करेंगे. ओके गाइस, इज इट ओवर? ये लिख लिया आपने? अब एक क्वेश्चन लिखो. हु कैन इंट्रोड्यूस रूल्स? आंसर क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड, सेंट्रल गवर्नमेंट. ब्रैकेट में कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो चुनावी पक्ष जो जीतता है. अभी कौन इस समय? लिख दो बीजेपी. लिखो, हु इंट्रोड्यूसेस एक्ट? एक्ट कौन लाता है? नहीं, पूरा सीक्वेंस हम लोग अच्छे से लिखेंगे ना, अच्छे बच्चों ना, बताओ कैसे लिखेंगे? एक्ट कैसे आता है? पहले पहले क्या होता है बताओ? बिल लिखो, बिल ऐसा लिखो, बिल. फिर ऐसा लिखना होगा ना, बिल के बाद में क्या? बगैर देखिए बताओ, बिल कहा जाएगा? पार्लियामेंट. मतलब कौन? तो ऐसा लिखो, बिल, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा. दोनों ने हाँ बोला, अच्छे से लिखना. ओके, इस क्लास से दो ही चीजें बाहर जाएगी, एक तो दिमाग में और एक तो बुक पे. पर मुझे आपके दिमाग पे पूरा विश्वास है. ऐसा लिखा आपने, लोकसभा राज्यसभा ने हां बोले, तो फिर कौन बंदा हां बोलेगा? नहीं, बगैर देखिए बताओ, कौन हां बोलेगा? और फिर वो क्या बन जाएगा? फिर उसका नाम एक्ट हो जाएगा. समझा? हे गाइस, आर देयर? अब मैं एक बात पूछूं, एक्ट आया है ऐसा मालूम कैसे चलेगा? कहां से? थ्रू मीडिया. उसको कहते हैं ऑफिशियल गैजेट, जहां पे ये एक्ट जो इन्होंने, प्रेसिडेंट ने हां कहा, पर आम जनता को थोड़ी ना पता कि प्रेसिडेंट ने किसको बोला. प्रेसिडेंट को मालूम और वो सारे लोकसभा राज्य, आम जनता तो अभी भी इस बारे में बेखबर है. दोस्तों, अब ये एक्ट जब बनेगा आम जनता तक पहुंचाने के लिए, उसको ऑफिशियल गैजेट में डाला जाता है, और वो ऑफिशियल गैजेट पब्लिक को समझ जाता है, उनके वेबसाइट पर उसको लॉन्च किया जाता है, और आम जनता को उससे वाकिफ किया जाता है कि यह एक्ट अब भारत में लागू किया गया है. मतलब उसको भारत में लाया गया है, वरना एक्ट बन गया. आपने क्या मनवाया? अपन थोड़े लोकसभा राज्यसभा में रहते, तो हाउ यूल गेट टू नो? लिखो नीचे, थ्रू ऑफिशियल गैजेट, थ्रू ऑफिशियल गैजेट.
एक्ट विल बी इन्फॉर्म्ड ठीक है ना ये हो गया पॉइंट एक बताओ लिखो नेक्स्ट पॉइंट व्हाट इज एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एक्ट अब बताएंगे एक्ट क्या होता है जल्दी से लिखो इट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट चार बातें लिखिए एक्ट में कौन सी चार बातें होती है सेक्शन सबसेक्शन और बोलो क्लॉज सब क्लॉज और बताएंगे लॉ कौन लाता है लॉ मेकर इसको लिखेंगे नहीं से बोलेंगे अब आता है आपको लॉ कौन बनाता है फिर एग्जीक्यूट भी पार्लियामेंट करेगा कौन करता है एग्जीक्यूट सेंट्रल पर क्या मोदी जी हर जगह पे कैसे काम करेंगे तो मोदी जी ने अपने लिए कौन लाया है अपने बिहाफ में एमसीए आरओसी सेबी को लाया फिर वो क्या करेंगे इंप्लीमेंट करेंगे कौन अरे बोलते नहीं आ रहा एक्ट को लाया किसने इंप्लीमेंट किया किसने पर आप बताओ ये स्पेशल कोड और एनसीएलटी की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि एमसीए आरओसी सेबी का इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है और कंपनियों के वोडाफोन का इंटरप्रिटेशन इसलिए दोनों का झगड़ा सॉल्व करने के लिए भारत में कोर्ट्स आए उसको क्या बोलेंगे लॉ को इंटरप्रेट करने वाले लॉ इंटरप्रेटर बताओ तीन लोग कौन से होते हैं लॉ मेकर कौन लॉ को इंप्लीमेंट कौन करता है और जो आरओसी एमसीए तो सीजी के ही लोग हैं पर वो कुछ अलग कहते हैं कभी कभी आम जनता कुछ अलग कहने लग जाती है तो दोनों का झगड़ा कौन सॉल्व करेगा कौन से कोर्ट स्पेशल कोर्ट एंड वॉट एनसीएलटी सर स्पेशल कोर्ट एनसीएलटी का नाम बार बार क्यों लिया गया बिकॉज कंपनीज लॉ के अफेयर्स को सॉल्व करने के लिए भारत में स्पेशल कोर्ट्स का निर्माण हुआ है यहां पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी से संबंधित ही मैटर्स को डील किया जाता है मान लो कोई खून खराब हुआ रेप हुआ या हाफ मर्डर फुल मर्डर हुआ इस टाइप की केसेस एनसीएलटी में डील नहीं होती एनसीएलटी में सिर्फ विजय माल्या टाइप के केसेस को और सुब्रत के केसेस को राजू के केस को डील किया जाता है जहां पे कंपनीज के मामलों को डिस्कस किया जाता है Everybody understood? Hey guys, है ना? तो I hope you understood what I said. आगे continue कर रही है अंकिता और अंकिता कुछ समझा कि कंपनी आखिर क्यों आई है और क्या है? I hope you are liking the way I'm teaching, right everybody? अब देखो भाई ने कहा लॉ पढ़ते समय focus should be on the concept. बाद में revision से आपको याद हो जाएगा वो problem नहीं. हम लोग पहले पढ़ाएंगे revise कराएंगे revise करके पूरा याद हो जाएगा. पर याद करने पे पहले focus नहीं. पहले focus इसके ऊपर. Yes, क्या है? पूरा फंडामेंटली अगर आ गया ना तो ये क्या फाइनल का लॉ भी पढ़ लोगे आराम से समझ गए ओके एवरीबॉडी और हमें क्लास में बैठते समय हमें यह पता होना चाहिए कि हमें 40 मार्क लाने के लिए पढ़ना ही नहीं है आई एम सिटिंग हियर इन द क्लास टू स्कोर 60 लाने के लिए मैं क्लास कर रहा हूं वरना 40 करना है तो मेरी क्लास में बैठने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लॉ आप खुद से ही पढ़ लो फिर 40 ही जाइए तो खुद पढ़ लो अकेले में यहां पे आने से आपको क्या मिलेगा एक्सेल ये चीज आप घर पे नहीं पढ़ सकते जो ये तो किताबों में लिखी भी नहीं है अरे ये तो लिखा ही नहीं बुक में सर ये कई किताब में कोई भी किताब में अवेलेबल नहीं ना आपके डीटी के ना आईडीटी के पर ये जो मैंने ज्ञान दिया ना ये आपको यूज होगा डायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में हर जगह पर जो मैं कह रहा हूं एवरीबॉडी है आर यू देयर कम ऑन ओके थैंक यू आई अंकित आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे और अंकिता जी ने जो जो कहा है मेरे बारे में मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और शी इज एन एक्सेलेंट टीचर एंड शी इज बीन टीचिंग सिंस लास्ट 6 years शी इज बीन टीचिंग एंड शी इज फेमस ऑल ओवर इंडिया इनके लेक्चर्स तो पूरे इंडिया में लोग आजकल देखते हैं एंड शी हैज गॉट ह्यूज फैन फॉलोइंग ऑन यूट्यूब यू कैन चेक हर वीडियोज ऑन यूट्यूब मुझसे भी कई गुना ज्यादा फैन फॉलोइंग इनकी है ना मैडम मैडम के लेक्चर्स को जो व्यूज मिलते हैं शी गेट्स ह्यूज मतलब शी गेट्स 3 lakhs का व्यूज मेरे जो सारे लेक्चर्स का मिला के होता है उसका अकेले का व्यूज होता है तो अमेजिंग उन्होंने जिस ढंग से सब्जेक्ट को डेवलप किया है आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है मतलब हम लोगों ने जो सोचा ना जिस तरीके से सोचा है
वो तो एकदम शी इज द बेस्ट टीचर, बट मैंने सोचा कि ये 3-4 चैप्टर में जो कई सालों से फाइनल लॉ में पढ़ा रहा हूं, जो 4 से 5 चैप्टर्स है, तो वो तो फिर हम लोग सब साथ में ही पढ़ना है, राइट? ओके गाइस, अंगदे आइए, इस शो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। देखो जो पहला एक्ट है जिससे हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। केयरफुली ऑब्जर्व करो जिस तरीके से मैंने ये लॉ का नाम लिखा है, ये एक्ट का नाम लिखा है, द कंपनीज एक्ट 2013। आप ऑब्जर्व करोगे हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो मैंने कैपिटल में लिखा है, दिखाई दे रहा है आपको? जैसे कि कंपनीज का सी कैपिटल में है, एक्ट का ए कैपिटल में है, द का टी कैपिटल में है, तो क्या ये मैंने डेकोरेशन पर्पस के लिए लिखा है या क्या हैंडराइटिंग है मैम, क्या दिख रहा है इसीलिए लिखा है? आपको क्या लगता है क्यों मैंने ऐसे लिखा है? हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में, कंपनीज का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल, ऐसा क्यों? ऐसे एवी लिख दिया, मजा आ रहा है इसलिए, या इसके पीछे भी कुछ कारण होगा? क्या कारण हो सकता है, किसी को कुछ आइडिया? देखो जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो कानून का है, और कानून की दुनिया जो होती है ना, ये अपनी दुनिया होती है, ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया ये खुद बसाता है। क्या बोला है? देखो जैसे कि ये वर्ड है एक्ट, अब देखो लेमैन की लैंग्वेज में एक्ट इस शब्द का मतलब होता है एक्शन। जैसे कि बहुत बार दोस्तों से भी बातें करते करते हम कह देते ना, हाउ कुड यू एक्ट इन सच अ मैनर। अब एक्ट ये जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया है दोस्तों से बातें करते करते, इसका मतलब होता है एक्शन। बट अभी जैसे स्वप्निल सर ने बताया, कानून की दुनिया में एक्ट ये वर्ड का मतलब क्या हम एक्शन कहना चाहते हैं कि द कंपनीज का एक्शन शुरू हुआ है 2013 से? नहीं, अभी सर ने आपको लिखवा के भी दिया, एक्ट इस शब्द का मतलब टोटली डिफरेंट होता है कानून की दुनिया में। इसका मतलब होता है सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉजेस, सब क्लॉज, प्रोविजो वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती है मतलब वर्ड एक्ट की कानून की दुनिया में। तो हर कोई वर्ड, हर कोई लेटर, इनफैक्ट एक एंड और एक और, इससे सेक्शन उल्टा या सीधा हो सकता है। तो हर एक वर्ड जो आप लिखते हो या प्रेजेंट करते हो आपके लॉ के पेपर में बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखो आपका सीपीटी का सुहाना सफर अब खत्म हो चुका है, जहां पे आपको एक सवाल है और 4 गोले हैं, सही गोला लग गया तो बिंगो, नहीं तो फिर टिंगो, और 6 महीने बाद वापस से अटेम्प्ट दे दो। अब आईपीसीसी में तो आपको एक्चुअली आंसर्स लिखने हैं, और हर कोई आंसर जो आप लिखते हो उसमें आपको कानून का नाम तो लिखना ही है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह वगैरह, हर कोई आंसर में आपको कानून का नाम लिखना जरूरी होता है। तो यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कानून के नाम को, एक्ट के इस नाम को हमें प्रेजेंट कैसे करना है। देखो जैसे आपने सीपीटी में ना यह शब्द सुना होगा मेजर, या इनफैक्ट माइनर, यह शब्द आपने सुना होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 11, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ पीपल टू एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट कहता है। क्या कहता है सेक्शन 11, बोलो? अ माइनर, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पीपल डिसक्वालिफाइड बाय लॉ आर नॉट कैपेसिटेटेड टू एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर ये शब्द को डिफाइन किया गया था कि माइनर या मेजर, इस शब्द का क्या मतलब होता है, हाँ या ना? तो देखो बेसिकली माइनर ये जो शब्द है ना, बहुत सारे एक्ट्स में इसको डिफाइन किया गया है। जैसे कि हमारा एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो रिफर करता है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट को, और कहता है कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट सेक्शन नंबर 3 कहता है, हु इज अ माइनर, कम ऑन टेल मी, ही इज अ बच्चा हु इज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। बट सपोज ये बच्चा अनाथ है, स्पेशल केसेस है, सपोज ऑफन है, तब ऐसे केस में वो माइनर तब तक कंसिडर किया जाएगा टिल द टाइम ही इज 21 ईयर्स ऑफ एज। वहीं पे भारत देश में एक दूसरा कानून है, लॉज रिलेटिंग टू मैरिज। इस लॉ में भी कहा गया है, इस कानून में भी कहा गया है दैट माइनर्स दे कैन नॉट गेट मैरिड। मतलब अगर आपको शादी करनी है यू हैव टू बी अ मेजर, माइनर की शादी नहीं हो सकती। बट अब अगर इस एक्ट को आप देखोगे, इस एक्ट में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी इस शब्द को डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। मतलब कहा गया है कि अगर आप लड़की हो आप तब तक शादी नहीं कर सकते हो जब तक आप 18 के हो, और बॉयज दे कैन नॉट गेट मैरिड टिल द टाइम दे आर 21 ईयर्स ऑफ एज। तो मतलब क्या ये कानून कहना चाहता है कि मैम ओनली गर्ल्स कैन हैव ऑल द फन?
अगर आप शादी करना चाहते हो और लड़की हो तो आपको 21 की उम्र तक रुकना होगा. देखो ऐसा नहीं होता. वहीं पे और एक कानून है भारत देश में विच इज रिलेटिंग टू वोटिंग. यहां पे भी कहा गया है ओनली मेजर्स कैन वोट, माइनर्स कैन नॉट वोट. बट अब इस कानून में कहा गया है चाहे आप लड़का हो या चाहे आप लड़की हो, आपको अगर वोट करना है यू विल हैव टू वेट टिल द टाइम यू आर 18 ईयर्स ऑफ एज. मतलब मैम, ओ मैम, ये देखो ना कानून क्या बोलना चाहता है कि अगर आप देश चलाना चाहते हो तो आपको 18 भी देश चला सकते हो राम भरोसा, बट अगर आपको घर चलाना है आपको वेट करना होगा 21 तक. क्या ऐसा कुछ कानून कहना चाहता है? देखो ऐसा नहीं होता है. जब कभी भी कोई भी कानून बनता है ना, ये कानून को बनाने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ एक मतलब होता है, कुछ एक पर्पस होता है, और यही पर्पस के हिसाब से एक्ट के सारे वर्ड्स जो रहते हैं वो डिफाइंड रहते हैं. तो अब आप देखोगे जैसे कि कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 इज फुल ऑफ डेफिनेशंस, बट अब ये जो डेफिनेशंस है इट इज रेलेवेंट ओनली फॉर द कंपनीज एक्ट 2013. देखो ना शब्द एक बट क्या मतलब इन अनेक. हर देखो ये माइनर शब्द तो एक ही है ना, बट तीन अलग अलग मैंने जैसे एग्जाम्पल्स दिए अलग अलग एक्ट्स में इसी एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन, इसी एक वर्ड का मतलब जो है वो अलग है, क्योंकि ये जो मतलब है दिस इज रेलेवेंट ओनली फॉर दिस एक्ट, ये जो मतलब है इट इज ओनली रेलेवेंट फॉर द मैरिज लॉ, और ये जो मतलब है माइनर का इट इज ओनली रेलेवेंट फॉर लॉज रिलेटिंग टू वोटिंग. वैसे ये जो वर्ड है ना एक्ट, ये अगर मैं लिखती हूं विथ अ स्मॉल ए, एक्ट विथ अ स्मॉल ए, इट वुड मीन एक्शन. बट क्या मैं यहां पे एक्शन ये शब्द बताना चाहती हूं? नो. मैंने यहां पे एक्ट इस वर्ड को लिखा है विथ अ कैपिटल ए, विच मीन्स कि यहां पे जो भी अब कंटेंट है इट इज कंप्राइजिंग ऑफ सेक्शंस, सब सेक्शंस, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, प्रोविजोस एंड वगैरह वगैरह. तो जिस तरह से आप ये एक्ट का नाम लिखते हो दिस इज ऑल्सो वेरी रेलेवेंट. अभी ये कंपनीज, कंपनी ये जो शब्द है हम लेमैन लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, कंपनी इट कुड बी इंटरप्रिटेड इन मेनी वेज. कंपनी ये शब्द डिक्शनरी मीनिंग कुछ और होगा, हमारा मतलब कुछ और होगा, बट कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी ये शब्द का मतलब कुछ और ही है, इसीलिए इसको लिखा गया है विद अ कैपिटल सी. तो देखो इसके बाद जब कभी भी आप आंसर्स लिखोगे, खैर आज तो वक्त का तगाजा यही कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है आपको बताने के लिए कि आंसर्स कैसे प्रेजेंट करते हैं, बट कल के सेशन में मैं आपको यह भी बताने वाली हूं कि जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं जो यहां पे आपको इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, आपको लॉ के पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है वो मैं कल बताऊंगी. तब हम लोग डिटेलिंग में जाएंगे कि हर एक आंसर में आपको कानून का नाम तो लिखना ही है, और जब आप ये कानून का नाम लिखते हो माई डियर फ्रेंड्स, एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर हैज टू बी इन कैपिटल. चाहे ये कंपनीज एक्ट आप नाम लिख रहे हो या चाहे आप द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कॉमा 1881. अच्छा मुझे बताओ ये 2013, ये 2013 मैंने लिखा है इसका क्या मतलब होता है? हां व्हाट ईयर इज दिस? हां जिस वक्त ये एक्ट बना है, ये बिल जब एक्ट बना और प्रेसिडेंट का कंसेंट हमें मिला ना, ये ईयर था 2013, और इसीलिए मैंने कॉमा करके यहां पे 2013 लिखा है. मतलब ये वो साल से है जब से ये एक्ट विल बी एनफोर्सेबल इन इंडिया. गेटिंग इट और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस और नो? तो शुरू करें हम लोग कंपनीज एक्ट से. ऑल प्रिपेयर्ड? देखो कंपनीज एक्ट के सेक्शन तो मैं खैर कल से शुरू करूंगी डिटेलिंग सेक्शन 1 से, बट आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरीशिप है, पार्टनरशिप है, एचयूएफ है, तो ऐसा क्या हुआ कि हमने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया? देखो कुछ तो कमी हमें महसूस हुई होगी इसीलिए हमने कंपनीज को इंट्रोड्यूस किया, नहीं तो फिर वी ऑलवेज हैड द एचयूएफ काइंड ऑफ सिस्टम, वी ऑलवेज हैड द सोल प्रोप्राइटरीशिप एंड पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के बारे में तो आपने सब कुछ सीपीटी में पढ़ा भी है. तो ऐसा क्या हुआ कि हमें जरूरत लगने लग गई ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. सपोज ये आप हो, अब आपने सोचा कि चलो सीए की डिग्री मिल गई बट खैर जॉब में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं तो क्यों ना कोई बिजनेस किया जाए. बट अब बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए पैसे. अब पैसे तो पापा के पास खूब है, बस एक कमरा ही पड़ा है, गोल्ड के बिस्किट सारे भरे हुए, पापा को बोल दिया पापा 2-3 मेरे नाम पे कर दीजिए, बस बिस्किट शुरू करना है, ये बिजनेस शुरू करना है. तो अब आप क्या करते हो? आप सोचते हो चलो टेक्नोलॉजी का जमाना है, व्हाई नॉट टू ओपन अ रिटेल शॉप ऑफ सेलिंग लैपटॉप्स ऑन तिलक रोड.
या लक्ष्मी रोड। तो अब आप क्या करते हो, थोड़ा बहुत कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लेते हो, उससे 5 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लेते हो और अब आप आपकी एक दुकान जो है लैपटॉप्स को बेचने की शुरू कर देते हो ऑन तिलक रोड। सपोज टुडे इज 1 जनवरी 2017 को आपने ये लैपटॉप्स को बेचने का बिजनेस जो है शुरू किया है और एक दुकान खोल दी है ऑन तिलक रोड एंड दिस शॉप ऑफ योर्स इज हैविंग रियली गुड रिस्पॉन्स। क्योंकि देखो यंगस्टर्स है, टेक्नोलॉजी है, लोग बहुत ज्यादा आपके लैपटॉप्स को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि काफी कम रेट्स पे आप काफी अच्छी वैरायटी ऑफ लैपटॉप्स उनको ऑफर कर रहे हो। तो अब बहुत ज्यादा कस्टमर्स आपके शॉप में अट्रैक्ट हो रहे हो और आपकी दुकान जो है बहुत बढ़िया चल रही है। अब देखो 2 साल हो गए आपके लैपटॉप्स की ये दुकान को शुरू करके और आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आपको मिल रहा है। तो आप सोचते हो क्यों ना इस बिजनेस को अब मैं एक्सपैंड करूं, बट अगर ये बिजनेस को एक्सपैंड करना है मुझे चाहिए और ज्यादा पैसे और मैं अकेला तो ये बिजनेस को अब मैनेज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे सारे एफर्ट्स जो है ये इसी दुकान में चले जा रहे हैं। अगर मुझे रिटेल के साथ साथ होलसेल बिजनेस भी लैपटॉप्स का शुरू करना है, मुझे और कैपिटल तो चाहिए बट क्या मैन पावर भी अब लगेगा क्योंकि आपके दिन रात तो वो रिटेल दुकान में ही चले जा रहे हैं। तो अब आप सोचते हो क्यों ना अपने दोस्तों को पकड़ा जाए, वो भी ऐसे ही निकम में बैठे हैं घर पे रिका में, कुछ खास काम है नहीं और पैसे बहुत है। तो अब आप सोचते हो चलो दोस्तों को लेके आते हैं। तो आप और अब ये आप हो और अब आपके साथ साथ आ जाते हैं आपके दो दोस्त भी जो यही बिजनेस कर रहे हैं। तो आप रिटेल दुकान संभाल रहे हो और वो होलसेल डीलिंग कर रहे हैं ऑफ लैपटॉप्स। प्लस इनिशियली जहां पे आपका 5 लाख कैपिटल था, अब इन लोगों ने भी और 5-5 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। क्या आप मुझे बता सकते हो यहां पे इस बिजनेस के ओनर्स कौन हो, आप और आपके दो दोस्त, प्लस क्या मैनेजमेंट भी आप लोग ही संभाल रहे हो? बोलो ना मुझे, क्या आप ही आपकी दुकान को और ये होलसेल के बिजनेस को संभाल रहे हो? तो मैनेजमेंट भी आपके हाथों में है और साथ ही साथ ओनरशिप भी आप ही के हाथों में है, कैपिटल भी आपका, प्रॉफिट भी आपका, मैनेजमेंट भी आपका, डिसीजंस भी आपके। अब देखो और कुछ समय चले जाता है ये बिजनेस आप जब होलसेल और रिटेल दोनों भी मैनेज कर रहे हो लैपटॉप्स का, बट अब आपके लैपटॉप्स बहुत ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, कस्टमर्स बहुत ज्यादा आपकी दुकान को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि जो आपकी सेल्स पॉलिसीज है, आपके जो डिस्काउंट ऑफर्स है, लोगों को बहुत ज्यादा लुभा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब आप सोचते हो इतना नाम तो मैंने दुकान में ही कमा लिया है, व्हाई नॉट टू मैन्युफैक्चर माय ओन इन हाउस ब्रांड का लैपटॉप। सारी छोटी सी छोटी चीजें तो मुझे पता चली गई है कि लैपटॉप्स को लैपटॉप्स में क्या सारी चीजें लगती है, कस्टमर्स आजकल क्या सारे फीचर्स प्रिफर करते हैं लैपटॉप्स में, क्या सारे कलर्स आजकल चालू है, क्या सारे कलर्स यंगस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या कॉस्ट पे लोग खरीदने के लिए तैयार है। छोटी सी छोटी चीजों के बारे में जानकारी अब तो आपको पता चली गया है, पिछले 5 सालों से आप इस बिजनेस में हो, आप इस धंधे में हो। तो अब आप सोचते हो अब तो मैं खुद का लैपटॉप ही इन हाउस ब्रांड लैपटॉप मैं मैन्युफैक्चर करना चालू करता हूं। आप खोलना चाहते हो एक फैक्ट्री, बट अब अगर फैक्ट्री खोल ली मतलब सबसे पहले लैंड, हैवी प्लांट एंड मशीनरी, स्किल्ड सेमी स्किल्ड एम्प्लॉइज और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की आपको जरूरत है, और रिसोर्सेज मतलब पैसा, और पैसे तो आपके और आपके दोस्तों के पास जितने थे आपने ऑलरेडी डाल दिए थे। तो अब पैसे देगा तो कौन देगा? अब ऐसे समय पर घर वाले काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तो अब आप बोलते हो मम्मी को, पापा को, दीदी को, भैया को कि मुझे पैसे दो, क्योंकि मैं ये लैपटॉप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूं। बट अब देखो जब आपने आपके घर वालों से ये पैसे मांगे, सपोज ये आपके सारे घर वाले हैं, आपने घर वालों से पैसे मांग के उनको इस बिजनेस का ओनर तो बना दिया, मतलब कहा कि हे दीदी, हे भैया, आप पैसे दो और बन जाओ इस बिजनेस के ओनर, मतलब अब आप मालिक, हम मैनेजर, पूरे साल भर बिजनेस मैनेज करेंगे हम, और साल भर मैनेज करके जो प्रॉफिट कमाया जाएगा उसका हिस्सा हम आपको देंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जैसा डेली रूटीन चालू है वैसी एक्टिविटीज आप कंटिन्यू करते रहो, ये बिजनेस में इन पैसों से प्रॉफिट कैसे कमाना है वो जिम्मेदारी हमारी। आपने मैनेजमेंट में उनको इन्वॉल्व नहीं किया है। आप खुद सोचो ना, सपोज जीजू आ जाते हैं मैनेजमेंट में,
पिछले 5 सालों से आप इस बिजनेस में हो, छोटी से छोटी चीजें आप जानते हो इस बिजनेस का, बट अब देखो आपकी जीजू को इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस बिजनेस में, तो जीजू एक चीज कहते हैं, आप एक चीज कहते हो, बट अब ऐसा हो जाएगा कि मॉरली आप जीजू को मना नहीं कर पाओगे ना, मतलब अगर मना करने जाओगे तो दीदी का चेहरा सामने आ जाएगा, आएगा या नहीं, उसमें मम्मी से जो इमोशनली हमें बॉम्बार्डिंग मिलेगी वो अलग, तो ये बात आ जाती, इमोशंस बीच में आ जाते हैं ना, इसलिए आपने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी है। मैनेजमेंट अभी भी आप और आपके दोस्त ही संभाल रहे, क्योंकि आपको मालूम है छोटी सी छोटी बारीक सी बारीक चीज है कि इस बिजनेस में हमें चाहिए क्या, छोटे से बड़ा किया है आपने इस बिजनेस को, बट आपने क्या किया, क्योंकि इनसे कैपिटल लिया है, क्योंकि इनसे पैसा लिया है, आपने ओनरशिप इनको दे दिया, और यहां पे आप क्या कर रहे हो, यू आर मैनेजिंग द बिजनेस, मैनेजमेंट आपने आपके हाथों में रखा है, मतलब साल भर मैनेज आप करोगे, प्रॉफिट जो भी होगा इसका प्रॉफिट का हिस्सा आप इन आपके घर वालों को दोगे। बहुत बढ़िया चल गया आपका ये लैपटॉप, फेमस हो गया पूरे भारत देश में आपके बनाए गए लैपटॉप्स, तो अब आप सोचते हो क्यों ना इन लैपटॉप्स को मैं एक्सपोर्ट करूं, दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा, बट अगर एक्सपोर्ट करना है मतलब क्वालिटी भी प्रीमियम लेवल की, उसके लिए मुझे और ज्यादा पैसा और ज्यादा रिसोर्सेस, बट अब आपके पास, आपके दोस्तों के पास, आप लोगों के घर वालों के पास जितना पैसा था पूरा का पूरा डाल दिया, तो अब पैसा आएगा तो मुझे पैसा कहां से आएगा, आप लोगों ने गुरु मूवी देखी, गुरु मूवी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की, जिन्होंने देखी है आप लोग समझोगे मैं क्या कहना चाह रही हूं, एक सीन था गुरु मूवी में जहां पे जो केला सिल्क पॉलिस्टर का बिजनेस गुरु का गुरु भाई देसाई थे ना, गुरुकांत देसाई जो अभिषेक बच्चन थे उस मूवी में, ही वॉज डीलिंग इन पॉलिस्टर, बहुत फेमस उनका बिजनेस हो गया था, अपने साले के साथ वो ये बिजनेस कर रहे थे, तो वो एक पार्टी थ्रो करते हैं और वो पार्टी में कहते हैं कि अब मैं फैक्ट्री खोलूंगा पॉलिस्टर बनाने के लिए, तो साला उनका कहता है कि तू पैसे लाएगा कहां से, तो वो कहता है मैं पब्लिक इशू करूंगा, सुना है क्या आपने, पब्लिक इशू करूंगा और पैसा लाऊंगा, रियलिटी में भी आपको मालूम नहीं है धीरू भाई अंबानी जो थे उन्होंने अपने कंपनी के शेयर्स फ्री में बांटे थे लोगों के बीच कि भाई आप ओनर बनो, आप ओनर बनो, आप ओनर बनो, आप मुझे सिर्फ मैनेजमेंट का हक दो और देखना मैं आपको कितने रिटर्न्स दूंगा। ऐसा कहा जाता है, ऐसा पता नहीं मिथ है या रियलिटी है, कि लोगों ने अपने घर की बेटियों की शादी उनके शेयर्स के दम पे की थी, ऐसा कहा जाता, मतलब इतने रिटर्न्स धीरूभाई अंबानी ने, मतलब उस मूवी ने गुरुकांत देसाई ने अपने शेयर होल्डर्स को दिए थे। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप पब्लिक के पास जा रहे हो, जो रिसोर्सेज है पब्लिक के पास क्यों ना उसका एडवांटेज मैं लूं। तो अब यहां पे है बहुत सारे लोग ये पब्लिक है और यही पब्लिक से आपने क्या लिए है, फंड्स लिए है, और ये फंड्स लेने के बाद आपने इस पब्लिक को बना दिया है इस बिजनेस का ओनर। बट अभी भी मुझे बताओ, आप और आपके दो दोस्तों के पास ही क्या इस बिजनेस का मैनेजमेंट है, आपने सिर्फ आम जनता को, मैंगो पीपल को जो दिया है दैट इज ओनरशिप, मैंगो पीपल के साथ जो आया है दैट इज ओनली ओनरशिप, मैनेजमेंट जो है अभी भी आपके हाथों में ही है। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूं, केस वन जो था दैट वॉज ऑफ, बोलो तो क्या था केस वन, जहां पे आप अकेले ओनर और आप अकेले मैनेजर, कौन हो आप, यू आर वर्किंग एज अ सोल प्रोप्राइटर। सेकेंड जो फॉर्म था दैट इज ऑफ अ पार्टनरशिप, तीसरा जो है दैट इज अ प्राइवेट कंपनी, एंड फोर्थ जो है दैट इज अ पब्लिक कंपनी। तो बेसिकली देखो हो क्या रहा था, बहुत सारे लिमिटेशंस थे सोल प्रोप्राइटरीशिप के और पार्टनरशिप के, जिसके वजह से ये कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, एंड द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दैट द ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट, और प्लस जो लायबिलिटी होती है क्या वो लिमिटेड होती है। सोल प्रोप्राइटरीशिप और पार्टनरशिप में मुझे बताओ, अगर कल जाके क्रेडिटर्स का पैसा डूबा, क्या आपको घर का पैसा डालना पड़ेगा उनके ड्यूज को देने के लिए? यस, बट क्या कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये पर्दा डाल दिया है, अब आपका घर का पैसा नहीं डूबेगा। इनफैक्ट आपको मालूम है 2008 में क्या हुआ था, 2008 में हमने क्या किया था, ये पार्टनरशिप के एडवांटेजेस ले लिए,
कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस ले लिए एंड वी केम अप विद अ टोटली न्यू कॉन्सेप्ट एंड दैट वाज ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो खैर आपके तो सीपीटी सिलेबस में नहीं था बट अब जो नया फाउंडेशन है उसमें ये कोर्स है। और 2013 में, यू विल नॉट बिलीव व्हाट हैपेंड, 2013 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जे ईरानी कमिटी, आपको मालूम है जे ईरानी सर कौन है, इज अ वेरी फेमस पारसी गाय बिजनेस फेलो, उनके रिकमेंडेशन से क्या हुआ था, हमने सोल प्रोप्राइटरीशिप के एडवांटेजेस और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस को क्लब कर दे एक टोटली न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया एंड दैट इज एन ओपीसी, अ वन पर्सन कंपनी। तो आज के जमाने में मैम एक अकेला बंदा भी क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है? हां कर सकता है। आपको मालूम है ओपीसी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में सबसे आखिर में इंप्लीमेंट हुआ है, मतलब पाकिस्तान के बाद भी हम हैं। पाकिस्तान, सिंगापुर, चाइना, स्टेट्स सभी ने ये ओपीसी का कॉन्सेप्ट लॉन्ग बैक इंट्रोड्यूस कर दिया था। इंडिया ही ये एक लौटा अकेला देश था जिसने ये कॉन्सेप्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया थ्रू द कंपनीज एक्ट 2013, जिसके द्वारा आज के जमाने में आप अकेले भी क्यों ना हो, यू कैन गेट अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय योरसेल्फ। नहीं तो अभी तक पार्टनरशिप था, तो सपोज मेरा आइडिया, मेरा बिजनेस, मेरा मैनेजमेंट, मेरा पैसा, बट मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती थी, मुझे मजबूरी में किसी ना किसी को ढूंढ के लाना ही पड़ता था। और क्या होता था, किसी को ढूंढ के लेके तो आ जाती थी बट बाद में that person had equal stake in the company, तो he could take advantage of his position। समझ में आ रहा है या नहीं? और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 2013 और इसी का नाम है ओपीसी। ओपीसी से रिलेटेड तो बहुत सारी बातें जो है हम ये इंटरमीडिएट के कोर्स में करने ही वाले, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे सेक्शंस आप ही के कोर्स में हैं। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये केस नंबर 4 में मैनेजमेंट आपने आपके हाथों में रखा है और ओनरशिप जो है आपने दी है इन पब्लिक को, मतलब क्या ओनरशिप हैज गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट? बोलो ना, हाँ या ना? ओनर्स क्या अलग और मैनेजर्स क्या अलग है? देखो ओनर्स में सब लोगों ने थोड़ा 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 कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो से फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये शर्मा जी है, शर्मा जी ने से 50,000 रुपए इस कंपनी के नाम पे दिए है, और ये जो है से ये वर्मा जी, वर्मा जी ने दिए है से कुछ 6 लाख रुपए एंड ही बिकेम द ओनर ऑफ द कंपनी। ऐसे करके पब्लिक में से हर किसी बंदे ने थोड़े 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 पैसे दिए हैं और बन गए हैं इस कंपनी के वो ओनर। तो यही जो अक्यूमुलेटेड कैपिटल, कॉर्पस जो हम कहते हैं ना एफएम में, कॉर्पस जो रहता है कैपिटल जिससे कंपनी ये बिजनेस कर रही है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल सभी का मिलकर 100 लाख है। अब मुझे बताओ क्या शर्मा जी कह सकते ये 100 लाख में से मेरा हिस्सा 50,000 रुपए, क्या ये कह सकते हैं? क्या वर्मा जी कह सकते हैं कि ये 100 लाख में से 6 लाख मेरा शेयर है? वैसे ये बंदा जो है ये कह रहा है ये 100 लाख में से 10,000 मेरा शेयर है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे हर बंदे का इस कैपिटल में थोड़ा 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 शेयर है, इसीलिए तो कैपिटल का नाम आ गया ना शेयर कैपिटल। नाम क्यों है? देर इज अ लॉजिक, देर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ऐसे ही बस लिखना था तो लिख दिया शेयर कैपिटल, ऐसा नहीं था। शेयर कैपिटल इसको इसीलिए, अकाउंट्स में किया है ना आपने कंपनी अकाउंट्स, तो पता है ना शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दिस कैपिटल इज नॉट ओन बाय वन पर्सन बट दिस कैपिटल इज शेयर्ड बाय मेनी पीपल, और इसीलिए कैपिटल का नाम आ गया शेयर कैपिटल। सो एवरी कंपनी विल हैव इट्स ओन शेयर कैपिटल जिससे वो बिजनेस शुरू करती है, जिससे वो बिजनेस रन करती है। समझ में आ रहा है या नहीं? अब मुझे बताओ से शर्मा जी को इन पैसों की जरूरत लग गई, घर पे कुछ दिक्कत ही थी, पैसों की जरूरत आ गई, अब क्या शर्मा जी इस कंपनी के शेयर्स बेच सकते हैं? सेम मुझे बताओ, वही शर्मा जी कंपनी के ओनर नहीं होते बट सोल प्रोप्राइटर होते या पार्टनरशिप होते, क्या इतनी आसानी से अपना स्टेक छोड़ के चले जा सकते थे? नहीं, क्योंकि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होता बिजनेस ही बंद करना पड़ता, और अगर पार्टनरशिप होता दो ही पार्टनर्स होते तब भी पार्टनरशिप बंद। बट अब मुझे बताओ शर्मा जी को अगर अपना ये कैपिटल बेचना है बेझिझक आप बंद करके, क्या वो कैपिटल बेच सकते हैं? कल जाके शर्मा जी ने अगर ये कैपिटल बेच दिया, अब शर्मा जी नहीं रहेंगे इस कंपनी के ओनर,
बट उन्हीं के जगह पे क्या कोई दूसरे आ जाएंगे इस कंपनी के ओनर? मतलब अब देखो, कंपनी के पास जो कैपिटल 100 लाख का था वो तो वैसा का वैसा रहा, इनके जाने से या किसी और के आने से क्या कंपनी को कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। बट साथ ही साथ जहां पे शर्मा जी को अपने पैसे चाहिए थे क्या मिल गए? और किसी और को इस कंपनी का ओनर बनना था क्या वो भी बन गया? समझ में आ रहा है या नहीं? मतलब कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट नहीं हुआ, कंपनी के पास जो पैसे है वो तो है ही, प्लस शर्मा जी को जो अपना स्टेक बेचना था वो तो बेच दिया, और प्लस उनकी जगह पे जो किसी और को कंपनी में आना था वो भी आ गए। मतलब कैन शेयर्स बी ट्रांसफरेबल इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? यस और नो? इनफैक्ट अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, दी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। बट प्राइवेट कंपनी अगर है, ट्रांसफरेबल तो है बट देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ऐसा नहीं है कि बैन है, बट देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर ट्रांसफरेबिलिटी। गेटिंग इट और नो? तो मुझे बताओ, कैपिटल को हम क्या कहते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? शेयर कैपिटल। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या ओनरशिप अलग और मैनेजमेंट अलग होता है? हाँ या ना? क्या शेयर्स आर ट्रांसफरेबल इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सोच समझ के मुझे जवाब देना। इज दिस सेंटेंस ट्रू ऑफ फॉल्स? सोचना, समझना और फिर जवाब देना, कोई चीज की घाई नहीं है। मैं आपके लिए हूं यहां पर, मुझे बताओ ये सेंटेंस मेरा ट्रू है या फॉल्स है। The liability of a company is limited in nature. True or false? The liability of a company is limited in, मतलब company form of organization की liability limited होती है, true या false? False. तो आज तक पढ़ते क्या है? My dear friends, very good. It is the liability of the members that is limited. Liability of a company is unlimited in nature. किसकी liability limited होती है? Members की। हाँ, shareholders की liability जो होती है वो limited होती है। It is the liability of the company that is unlimited. Members की liability, members मतलब ये जो owners नजर आ रहे हैं ना, इनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है इन नेचर। अब आपने सीपीटी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा था जिनको भी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है सेक्शन 11 में, दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे आप बताओ, कैन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स? कैन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके हिसाब से कैन इट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स? Is a company a person? But is it a person? Company is not a person. Then what is it? अरे बेटा, artificial या natural, but person तो है ना? Artificial या natural वो तो बात की बात है, but person तो है ना? तो अगर company person है, can it enter into contracts? And can it enter into contracts in its own name? In fact, a company is a separate person, separate from its directors, separate from its members and separate from its employees. Matlab company alag, directors alag, company alag, owners alag, company alag, employees bhi alag. A company can enter into contracts in its own name. A company can buy assets in its own name. A company can incur liabilities in its own name. A company can sue someone in its own name. And a company can be sued by someone in its own name. It is having a separate legal status in the eyes of law. कानून की आंखों से देखो, कानून की आंखों से क्या नजर आ रहा है? वो एक कंपनी है। समझ में आ रहा है? हमें नहीं दिखाई देती, बट किसको दिखाई दे रही है? कानून को। इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या? फिक्टिशियस। आर्टिफिशियल मतलब क्या? फिक्टिशियस। आपको क्या लगता है? फिक्टिशियस मतलब क्या? काल्पनिक। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, मतलब जो सिर्फ आपके इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है। बट यहां पे क्या कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है? नहीं, इट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ, एंड दस इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एंड इफ इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज कॉन्ट्रैक्चुअल पावर्स। बट अब देखो, अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है तो हम जाएंगे, साइन कर लेंगे,
बस हो गया कॉन्ट्रैक्ट एंटर, आपने साइन कर दी, मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में एनफोर्सेबल है एंड वी हैव राइट्स एंड लाइबिलिटीज अगेंस्ट ईच अदर, बट कंपनी के तो आपके और मेरे जैसे हाथ और पैर है ही नहीं, तो कंपनी कैसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता होगा? तो देखो, कंपनी की सिग्नेचर इज इन अ फॉर्म ऑफ अ कॉमन सील, तो ये जैसी अपनी सिग्नेचर्स होती है वैसी कंपनीज की जो सिग्नेचर होती है इट इज कॉल्ड एज अ कॉमन सील। तो जहां कहीं पे भी कॉमन सील अफिक्स्ड होगा माना जाएगा कि कंपनी ने अपना कंसेंट दिया है टू दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। बट अब देखो, कॉमन सील अगर अफिक्स करना है क्या कंपनी अफिक्स कर पाएगी? नहीं, उसके लिए डायरेक्टर्स अफिक्स करते हैं। मतलब फाइनली कंपनी करे या डायरेक्टर्स करे, बात तो बाबा एक ही हो गई ना। तो ये बात हमें समझ में आई इन द ईयर 2015, तो उसके वजह से जो हमारा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, उसमें लॉ मेकर्स ने लिखा कि जो कॉमन सील की रिक्वायरमेंट है आज से इट इज ऑप्शनल इन नेचर। ऑप्शनल मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी, मतलब नॉट कंपल्सरी। अगर आप चाहते हो अपनी कंपनी के लिए कॉमन सील रखना तो फिर तो क्या बात है, देयर कुड बी नथिंग लाइक इट। बट अगर आपने अपने लिए कोई कॉमन सील ना भी रखा हो इट इज स्टिल ओके। कॉमन सील के बदले में एनी टू डायरेक्टर्स एंड वन ऑथराइज्ड पर्सन हैज टू साइन ओवर देयर। अगर ये तीन लोगों की सिग्नेचर्स आ गई मतलब आप समझ लो कंपनी का कंसेंट मिल गया। दिस ऑथराइज्ड पर्सन इज यूजुअली द कंपनीज कंपनी सेक्रेटरी, और डायरेक्टर्स में से दो डायरेक्टर्स में से एक शुड बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर इफ यू हैव वन। तो इफ यू हैव अ कॉमन सील, दो डायरेक्टर्स के रहते हुए आपको कॉमन सील अफिक्स करना पड़ता है। एंड इफ यू डू नॉट हैव अ कॉमन सील इट इज स्टिल ओके, एनी टू डायरेक्टर्स विन वन ऑथराइज पर्सन कैन साइन दैट डॉक्यूमेंट, माना जाएगा कि कंपनी ने अपना कंसेंट दे दिया है। देखो एक एक करके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में वापस से आपको ठीक है, जस्ट गिव मी टू मिनट्स, लास्ट टू मिनट्स एंड देन आई कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे, जस्ट लास्ट टू मिनट्स। जितना मैंने सिखाया है ना अभी तक उतना सिर्फ रिवाइज करती हूं और उसके बाद आई जस्ट कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे। ये सारा एग्जाम्पल याद है, एक इंडिविजुअल, आपके दो दोस्त, फिर आपके घर वाले और फिर पब्लिक। फिर मैंने एंड में आपको सारी चीजें समझाई थी। मुझे बताओ कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इज द ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम द मैनेजमेंट। मुझे बताओ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आर द शेयर्स ट्रांसफरेबल? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? किसकी लायबिलिटी? मेंबर्स की। कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड। क्या कंपनी कुड हैव इट्स ओन कॉमन सील? आज के जमाने में कॉमन सील की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी और ऑप्शनल? तो अगर है तो फिर तो क्या बात है, नहीं है तो भी इज इट ओके? हाँ है ना। फिर उसके बाद मुझे बताओ क्या बताओगे आप, अ कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन या फिक्टिशियस पर्सन? तो यही सारे है द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन योर बुक एंड दैट इज द कैरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। मुझे बताना था कैरेक्टर्स और फीचर्स में क्या फर्क है, बट मे बी टुमारो। अब देखो नेक्स्ट क्लास कितने बजे होता है आपका? देखो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या सारी चीजें आपको चाहिए इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बताओ। अच्छा ठीक है, सुनो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या सारी चीजें आपको चाहिए। तो बेसिकली कंपनी आपको कैसी चाहिए? आपको कंपनी चाहिए टॉप क्लास। कैसी कंपनी चाहिए बोलो तो? टॉप क्लास। टी इज फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ओ इज फॉर ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग, P is for perpetual succession. Perpetual succession मैंने आज आपको सिखाया नहीं है, कल हम पढ़ेंगे। C is for common seal. L is for limited liability. A is for artificial person. S is for share capital and S is for separate legal entity. दो पॉइंट्स मेरे पढ़ाने बाकी रह गए, एक है perpetual succession और दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर तीन केस लॉज भी है, ये सारी बातें कल डिस्कस होगी, बट फिलहाल के लिए सिर्फ लास्ट वन मिनट। कम ऑन टेल मी व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ कंपनी। कम ऑन टेल मी, टॉप क्लास बोलो तो? टॉप क्लास। टी इज फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ओ इज फॉर ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग, पी इज फॉर परपेचुअल सक्सेशन, सी इज फॉर कॉमन सील, एल इज फॉर, ए इज फॉर, एस फॉर शेयर कैपिटल एंड एस फॉर सेपरेट लीगल।
चलो वक्त का तगाजा यही कहता है कि अलविदा कहने का समय आ गया है. सो सी यू ऑल टुमारो. थैंक यू वेरी मच.